आप सब लोग, आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे मिस्ट्री मैसेजेस की। ये बहुत अननोन एनर्जीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, या फिर कह लीजिए कि अननोन एनर्जीज़ में टैप इन करके मैंने रीडिंग की है। एंड यस, मैं पाइल्स पहले रिकॉर्ड करती हूँ एंड इंट्रो बाद में रिकॉर्ड करती हूँ। कुछ लोग इस मिस्ट्री में बहुत जीते हैं कि नाज को कैसे पता चलता है कि ये रीडिंग इतनी मिस्टीरियस हुई है या इंटरेस्टिंग हुई है। तो यस, मसला बस यही है कि मैं अपने पाइल्स को पहले रिकॉर्ड करती हूँ और इंट्रो को बाद में रिकॉर्ड करती हूँ, तो तभी मुझे पता होता है कि रीडिंग कैसी हुई है। ओके, तो यस, बात कर रहे थे कि आज मिस्ट्री मैसेजेस की हम चैनलिंग करने वाले हैं। ओके, और क्या है, और तो कोई बात नहीं है। आई एम फैमिली, आपके ऑप्शंस को दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, चॉइसेस चॉइसेस पाइल नंबर वन है यहाँ पर, नंबर एट है इस कार्ड का नंबर एट। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, कलरफुल है काफ़ी। आई थिंक बाकी दोनों कार्ड से तो काफ़ी कलरफुल है ये कार्ड्स। तो चॉइसेस नंबर वन है आपका। तो अगर आप अपने मिस्ट्री मैसेजेस चॉइसेस के कार्ड से देखना चाहते हैं, तो ये है पायल आपके लिए, चॉइसेस। ऑलराइट, दूसरे नंबर पर है हमारे पास सेल्फ वर्थ का कार्ड। ओके, सिर्फ आंखें नज़र आ रही हैं और इसका जो कलर है, कलर पैलेट बहुत लिमिटेड है इस कार्ड का। फिरोजा कलर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आँखों में भी वही कलर है। सो फिरोजा कलर, मुझे बड़ी हर्मिट की ऊर्जा मिलती है इस रंग से। ओके, सो नंबर 27 सेल्फ वर्थ। तो अगर आप इस कार्ड से अपने मिस्ट्री मैसेजेस को देखना चाहते हैं, तो ये है पायल आपके लिए। ओके, नंबर 3 पर है हमारे पास ये नीला रंग, जो लिटरली थ्रोट चक्रा की एनर्जी को दर्शाता है, ट्रस्ट। ये शब्द बहुत खूबसूरत है, मैं पायल में भी बात कर रही थी कि ट्रस्ट बहुत एक ऐसा शब्द है जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नंबर 33 मिरर नंबर, या फिर कह लीजिए कि मास्टर नंबर, राइट, नंबर 33 ट्रस्ट। तो ये है पायल नंबर 3 की एनर्जी। तो अगर आप चाहें तो आप इस पायल को चूज़ कर सकते हैं अपने मिस्ट्री मैसेजेस के लिए। और थोड़ी सी टेक्निकल बातें अगर मैं बताऊं आपको, तो जो बुकिंग है पर्सनल रीडिंग्स की, जो बुकिंग होती है वो सिर्फ मेरी वेबसाइट पर होती है, www.shrinicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है ना मेरी जान, वो वहीं पर ही आपको उस चैनल की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, डिटेल्स मिल सकती हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो आपको झूठी इन्फॉर्मेशन देकर आपके पैसे को लेने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो उन स्कैमर से आपको सावधान रहना है। आप मेरे चैनल पर रहें या किसी और पर्सन के चैनल पर भी जाएं, इस एक सावधानी को ज़रूर बरतें, आप ही का भला है उसमें। ओके, तो अगर आपको बुकिंग चाहिए, डिटेल्स चाहिए, कुछ चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है। उसको 30 सेकंड्स भी नहीं लगेगा पढ़ने को, उसको पढ़िएगा और आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, इंस्टाग्राम पेज भी है मेरा, अगर आप चाहें तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। मैं वो नहीं हूँ जो हर रोज़ आपको या वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज देने वाली हूँ, कार्ड ऑफ द डे, मैं वो नहीं करती वहाँ पर, वो मेरा स्टाइल नहीं है। जब मुझे इंस्पिरेशनल एनर्जी मिलती है, जब मैं इंस्पायर्ड महसूस करती हूँ इंस्टाग्राम के कंटेंट के लिए, मैं तभी डालती हूँ। तो मुझे वहाँ फॉलो करने से पहले इस एक सच को जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे ही काम करने वाली हूँ। ओके, तो अगर आप सिर्फ इस उम्मीद के साथ वहाँ पर जा रहे हैं कि वहाँ पर ना से हमको डेली कुछ ना कुछ देखने को, नहीं, वो नहीं है वहाँ पर। ओके, लेकिन यस, कुछ ऐसे पल आते हैं जहाँ पर मैं बहुत इंस्पायर्ड महसूस करती हूँ और मैं बहुत बहुत कंटेंट डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, और जो वो कंटेंट होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो इंस्पायर्ड
एनर्जी होती है ना, जिसको मैं चैनल कर रही होती हूँ. सो यस, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, कभी कभी दुआ सलाम के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे वहाँ पर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, और तो क्या है मेरी जान, और तो सारी डिटेल्स अगेन टाइम स्टेम्स हो गया या और लिंक हो गए, डिस्क्लेमर हो गया है ना, सारा कुछ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. और थोड़ी धूप भेज दो यार, यहाँ ठंड बहुत होगी है, धूप नहीं निकलती, इतनी ठंड हो गई है पैरों में सुन चढ़ती है, तो थोड़ी धूप भेज दो मेरी तरफ. हाँ, थोड़ा सा वार्म एनर्जी, वार्म विशेस भेजा करो मेरी तरफ, थोड़ा सा मैं भी यू नो गर्म रहूँ. ठीक है, तो यस, ये है कुछ बातें आपके साथ. और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर. जय हो, मंगल हो. हेलो पाइल नंबर वन, तो जिन्होंने भी यहाँ पर चॉइसेस के कार्ड को चूज किया है, जिसका नंबर है नंबर 8, काफ़ी कलरफुल है ये कार्ड. ओके, आप देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल गॉड एंड गॉडेसेस एनर्जी जो होती है, यू नो गॉडेस एनर्जी बेसिकली, वो मैं इस कार्ड में देख सकती हूँ. सो लेट्स सी पाइल नंबर वन, आपके लिए मिस्ट्री मैसेजेस यहाँ पर क्या है, मिस्ट्री मैसेजेस. सो पाइल नंबर वन, चॉइसेस. हमारी लाइफ में जो भी हो रहा होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स यू नो शामिल होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें हो रही होती हैं. और उन्हीं फैक्टर्स में से एक फैक्टर हमारी खुद की चॉइसेस होती हैं, यू नो, जो हम लाइफ में चॉइसेस लेते हैं, चूज़ करते हैं चीज़ों को और डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये मेरी चॉइस है और ये मेरा डिसीजन है. ये सारी चीज़ें भी हमारी लाइफ की सिचुएशन क्या होगी या आउटकम क्या होगा इस चीज़ को डिटरमिन करती हैं, निर्धारित करती हैं, राइट. सो यस, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी, आपने क्या किया बेसिकली, आपको यहाँ पर वो अदालत में कहते हैं ना कि पाइल नंबर वन हाजिर हो. सो वही एनर्जी है यहाँ पर कि जहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बंधु तुमने क्या किया यहाँ पे, यू नो तुम्हारी क्या चॉइसेस थी. तो क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, मेजर इवेंट्स हैं, माइनर हैं, या फिर आपको परवाह ही नहीं है, जो भी है, यू नो इसमें आपकी खुद की चॉइसेस, आपके खुद के डिसीजंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, सो यस, काफ़ी कलरफुल चॉइसेस रही होंगी आपकी. पाइल नंबर वन, यहाँ बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं हम. पाइल नंबर वन, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. कहते हैं मछलियाँ उड़ नहीं सकती क्योंकि मछलियाँ तैरती हैं, लेकिन इस कार्ड में मछलियाँ उड़ रही हैं. ये आंखों का धोखा भी हो सकता है ना, क्योंकि जब एक मछली जंप करती है पानी में, जैसे डॉल्फिन्स हैं, वो पानी से बाहर आएंगी फिर नीचे जाएंगी, ऐसे बाहर आएंगी फिर गोता लगाएंगी, यू नो, और उस गोता लगाने को या तो हम गोता लगाना कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि वो मछली उड़ रही हैं. तो ये बेसिकली हमारी परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि यू नो जो हम देख रहे हैं वो क्या है, इमेजिनेशन. तभी कुछ लोग यहाँ पर एक अनंत इमेजिनेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पर वो वाइल्ड चीज़ों को इमेजिन करके यू नो आपके सामने रख सकते हैं, फिर चाहे वो कोई स्टोरी के माध्यम से हो, फिर चाहे फिर वो कोई किताब हो, चाहे फिर कोई पेंटिंग हो, और हम जब उसे देखते हैं हम कहते हैं कि ओ माई गॉश, ये पर्सन की इमेजिनेशन कितनी खतरनाक है. इमेजिनेशन तो सभी के पास है ना, लेकिन क्या है वो, कौन सी एक चीज़ है जो एक पर्सन की इमेजिनेशन को इतनी वाइल्ड बना देती है कि जब दिखे वो इमेजिनेशन का, जब वो आईना दिखे तब हम कहें कि ओ माय गॉड ये क्या था इसने तो मेरा दिमाग हिला दिया. तो ये परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट. कहने को मछलियाँ उड़ती नहीं, लेकिन कहने को मछलियाँ हवा में एक गोता लगाने के लिए वो तैर सकती हैं, और उसके हमारे परसेप्शन के ऊपर है कि वो उड़ रही है या फिर वो गोता लगाने की कोशिश कर रही है. क्वीन ऑफ कप्स,
परसेप्शन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको स्टडी करेंगे जब आप, या अगर मैं इसके बारे में बात भी करूँ, मुझे ऐसा लगता है परसेप्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि परसेप्शन ही है जो हमें सही क्या है गलत क्या है इसको फिल्टर करना कहीं ना कहीं सिखाता है. यू नो, अगर आप अपनी परसेप्शन को कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हैं, तो बदलना इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए बदलाव इम्पॉर्टेंट है. ज़रूरी नहीं है 10 साल पहले जो आपकी फिलॉसफी थी वो आज भी आपको सर्व करे. बचपन में हमको सारी चीज़ें मासूमियत से भरी हुई लगती हैं और हमें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही मासूमियत जो बचपन की है वही मासूमियत आपको आपके एडल्ट लाइफ में मदद कर सकती है, राइट? तो वही चीज़ है यहाँ पर कि परसेप्शन जो है अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो फॉल्स एनर्जी क्या है, कभी कभी हम उसमें चूक सकते हैं, क्योंकि हम इवॉल्व नहीं हो रहे और एक ही लेंस से हर चीज़ को देख रहे हैं. इससे स्टक एनर्जी भी आती है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में. पास्ट प्रेजेंट टाइमलाइंस में भी क्लैशेस पैदा हो सकते हैं. यू नो, पास्ट की परसेप्शन को अगर आप अपने प्रेजेंट की एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सिचुएशन पर लगाएंगे, तो यस, उसमें यू नो, उसमें स्टक की एनर्जी आ सकती है, या फिर टाइमलाइंस यहाँ पर कन्फ्यूजन की ऊर्जा में जा सकते, जैसे फंस सकती हैं आप भूल सकते हो कि प्रेजेंट क्या है और पास्ट क्या है, फिल्टर नहीं कर पाना. यू नो, पास्ट प्रेजेंट पर हावी हो जाए. ये सारी साइकिक एनर्जी है यहाँ पर लेडी ऑफ कप से, क्वीन ऑफ कप से. और ऐसा लग रहा है कि ये क्वीन ऑफ कप्स जैसे फूलों को स्टॉप कर रही है. यू नो, फूलों को वो कह रही है कि मेरी तरफ मत आओ, जैसे उसका हाथ जो है वो ट्री की तरफ है, वो कह रही है कि मेरी तरफ मत आओ यहाँ पर. तो मछलियाँ उड़ रही हैं, फूलों को नो कहा जा रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर. फाइल नंबर वन, ये सारी चॉइसेस है ना, यू नो, ये सारी चॉइसेस है. क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर चॉइस ले रही है कि मेरी तरफ मत आओ, वो फूलों से कह रही है. फूल जो कि कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन को भी दर्शाते हैं. फूलों को आप गानों में भी ढूंढ सकते हैं, पेंटिंग्स में भी ढूंढ सकते हैं. आजकल तो खाने में भी फूलों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं ना, सब्जियों को काट के. तो फूल इंस्पिरेशन है, आप उसको कहीं पर लगाना चाहें आप उसे लगा सकते हैं. लेकिन ये क्वीन ऑफ कप्स उसी इंस्पिरेशन को रोक रही है, चॉइस है उसकी. और यहाँ पर भी हम चॉइसेस के ही कार्ड को देख रहे हैं. आपने जो चूज़ किया है, चॉइसेस, आपकी चॉइसेस ही निर्धारित करती हैं कि आपके पास क्या होगा क्या नहीं होगा. पहला मिस्ट्री मैसेज आपका यहाँ पर यही है. पाइल नंबर वन, आपकी चॉइसेस, दोबारा सुनिए, आपकी चॉइसेस ही इस चीज़ को डिटर्मिन करती हैं, निर्धारित करती हैं कि आपके पास क्या होगा और क्या नहीं होगा. मुझे एप्पल और यू नो बनाना में, जब मैं एप्पल को चूज़ करती हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरे पास बनाना नहीं होगा, या फिर अमूमन अगर मेरे पास चॉइसेस हैं कि मैं दोनों ही ले सकती हूँ, वो अलग मार्जिन है. लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर मुझे कहा गया है कि भाई या तो तू एप्पल ले सकती है या बनाना ले सकती है, तो जब मैं कह रही हूँ कि मुझे एप्पल लेना है तो एप्पल आ गया ना मेरे पास, बनाना नहीं आया, बनाना छूट गया कहीं रास्ते में. तो वही चीज़ है, आपके चॉइसेस निर्धारित करती हैं कि आपके पास क्या होगा क्या नहीं होगा. तो इस मुकाम पर जहां पर बैठकर आप स्क्रीन के उस पार ये रीडिंग सुन रहे हैं, मेरे साथ साथ इस रीडिंग में गोता लगा रहे हैं डेप्थ में जाके, खुद से ये सवाल कीजिए कि आज जो भी आपके पास है, जो भी, मैं कह रही हूं जो भी आपके पास है आज, उसमें क्या आपकी चॉइसेस का कोई रोल रहा है. यहां पर ना वही कटघरे में आप खड़े हैं मेरी जान, कोई और नहीं. कटघरे में अब आप हैं, आपसे सवाल किया जा रहा, भाई तुम्हारी जो चॉइसेस थी उनका क्या रोल रहा है कि आज जो भी तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुमने पाया जो तुमने खोया, तुम्हारी चॉइसेस ने उनको कैसे इफेक्ट किया है पास में. ये पहला मिस्ट्री मैसेज है जो स्पिरिट आपको देने की कोशिश कर रही है. वेरी इंटरेस्टिंग पाइल नंबर वन. वी हैव द हायरोफॉन्ट,
यू नो हायरोफॉन्ट जो कि एक टीचर कॉन्शियसनेस की ऊर्जा है, टीचर कॉन्शियसनेस जो कि पथ प्रदर्शित करना, यू नो रास्ता दिखाना, क्योंकि आपके पास ज्ञान है और उस रास्ते पर जो आपने चला हुआ है, जो भी आपने सीखा, आप दूसरों को साथ जब उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो तो दूसरों का भला हो सकता है, दूसरों का भी यू नो दूसरों को भी उस रास्ते पर चलकर कुछ मिल सकता है, यू नो वो कुछ ढूंढ सकते हैं, तो वही एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये जो हायरोफॉन्ट है ये अपने टीचर का रोल निभाने के साथ साथ क्या करता है, उसकी एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। कि एक हायरोफॉन्ट सिर्फ क्या टीचर के रोल तक लिमिटेड है कि उसको सिर्फ गाइड करना है या फिर उसको उसको पथ प्रदर्शित करना है, दूसरों के लिए यू नो हेल्पिंग हैंड बनना है, क्या सिर्फ यही रोल है एक टीचर का? हम सभी की आदत है ये, बेसिकली हम चीज़ों को बहुत लिमिटेड लेंस के साथ देखते हैं क्योंकि ईगो है ना, हम सभी के पास ईगो को लिमिटेड ही देखना आता है, और क्योंकि हमारी इतनी आइडेंटिफिकेशन है इस मोह माया के साथ तो हम भी चीज़ों को लिमिटेड चीज़ों के साथ ही देखते हैं, लेंस के साथ देखते हैं। कहते हैं ये वो टीचर है, ये साइंटिस्ट है। अच्छा, साइंटिस्ट अगर गार्डनिंग करना चाहे तो वो हम इमेजिन नहीं कर सकते ना, वो तो तब पता चलेगा कि हाँ, जब साइंटिस्ट कहे कि मुझे गार्डनिंग करना भी पसंद, मैं गार्डनर भी हूँ। लेकिन जब हम सुने कि वो साइंटिस्ट है भाई, तो हमारे लिए क्या है कि अच्छा कहीं लैब में बैठ के काम करता होगा, यही इसके शौक होंगे, ऐसे ही लोगों के साथ ये हैंग आउट करता होगा, यू नो, क्योंकि लिमिटेड परसेप्शन है। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर वन, आपके चॉइसेस, आपकी चॉइसेस ये जो लिमिटेड परसेप्शन है इससे काफी ज्यादा प्रभावित हैं। आप जो भी चॉइसेस लेते हैं इस पर जो प्रभाव है, ये चॉइसेस को लेने का जो प्रभाव है ये जुड़ा हुआ है परसेप्शन के लिमिटेड लेंस के साथ। क्योंकि यहां पर हायरोफॉन्ट टीच थोड़ी कर रहा है किसी को कुछ, वो तो अपना बैठ के यहां पर आग सेक रहा है भाई वो कह रहा है ठंड बात है आग सेक लूं, वो 24 घंटे थोड़ी टीचर का रोल में रह सकता है, नॉर्मल भी तो है ना, एनर्जी नॉर्मल भी तो जाती है। जैसे मैं एक टैरो रीडर हूं, मैं 24 घंटे थोड़ी टैरो रीडर हूं, समझने वाली बात है ना। लेकिन क्योंकि हम चीज़ों को वही लिमिटेड टैग्स के साथ ये वो और उसी के नज़रिए से देखते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी चॉइसेस को भी प्रभावित करती है, लिमिटेड माइंडसेट या लिमिटेड परसेप्शन। और आपकी चॉइसेस के बारे में वो इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सपोज कर रहे हैं। ये रीडिंग लिटरली आपको एक्सपोज कर रही है पाइल नंबर वन, आपकी चॉइसेस जो भी रही अभी तक, जिन्होंने आपकी लाइफ को अब तक प्रभावित किया है, क्या है आपके पास क्या नहीं है, इसकी भी एक लेयर है। और वो लेयर यही है कि एक लिमिटेड परसेप्शन जो रही है आपकी, वो डिटर्मिन करती रही कि भाई ये बंदू यही चॉइस लेगा, एक एक रेपिटेटिव पैटर्न जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। दिस इज डीप, दिस इज वेरी 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 डीप, लेकिन फिर भी सिंपल भी है। डीप होना, डीप परसेप्शन या डीप फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स ही होगी, डीप बातें भी सिंपल हो सकती हैं, यू नो। तो यस, कटघरे में खड़े हैं आप पाइल नंबर वन। लेट्स सी यहाँ और क्या एनर्जीज हैं। या वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पोर्टल है ड्रीम्स का, एक ऐसा पोर्टल जो सबकॉन्शियस का है, और ये सीढ़ी जो कि कॉन्शियस की है, और बीच में आप अटके हुए हो। रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको कोई घसीट रहा है पाइल नंबर वन, आपको ना कुछ एनर्जीज घसीट रही हैं। एक होता ना, हम रस्सी खींचते हैं, हम कहते हैं कि दो टीम्स में बट जाओ, तुम इस तरफ मैं इस तरफ, और बीच में खड़े हो आप। ये टीम ए आपको अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रही है, टीम बी आपको अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रही है। उनका ये पर्पस है कि आपको अपनी टीम में कर लिया जाए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में पिस रहे हो आप घसीटे जा रहे हो। ओके, आप घसीटे जा रहे हो। आई फील लाइक कि ये पाइल विक्टिम भी रहा है, और ये भी आपका एक मिस्ट्री मैसेज है।
आप विक्टिम रहे हो यहाँ पर अपने इर्द गिर्द के लोगों के, उनकी ख्वाहिशें, उनके ड्रीम्स पूरे करने हैं आपको। तो अपने ड्रीम्स कहाँ से खिले जब आप लोगों के ही ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। वी हैव द हैंग्ड मैन परसेप्शन। अभी तक मैंने 14 मिनट क्या बोला, परसेप्शन के बारे में तो बात की। आप ना पिसे गए हो मेरी जाना, ओखली में डाल के ना आपको कूटा गया है, आपको वो मौका ही नहीं मिला कि भाई मेरा ड्रीम क्या, मेरी ख्वाहिश क्या। या तो पहले परिवार वालों की ख्वाहिशें पूरी की हैं अभी तक आपने, उनके सपनों को पूरा करने में ही लगे रहे आप, तो अपना तो ट्रू सेल्फ तो जिया ही नहीं ना। और हैंडमैन यहां पर इसी वजह से है कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी दुनिया, लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाईएस्ट पोटेंशियल का कार्ड जो कि मटेरियल वर्ल्ड को दर्शाता है, तुम्हें अपने इस जहान को, अपने इस संसार को और ढंग से देखने की जरूरत है। कटघरे में रखो खुद को, पहली बात, पहला स्टेप तो यहां पर यही, कटघरे में पहले खुद को रखो और सवाल करो कि यार मैंने अभी तक जिया क्या है, क्या सिर्फ दूसरों के लिए जिया है मैंने, कभी उसका सपना पूरा करो, कभी उसकी ख्वाहिश पूरी करो, मेरा क्या। और अच्छा यहां पर एक मैनिपुलेशन ये भी हो सकती है, क्योंकि विक्टिम कॉन्शियसनेस है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि ये इतने चतुर लोग हैं आपके इर्द गिर्द, मतलब इतने चंट लोग कि इन्होंने आपको पता भी नहीं लगने दिया कि आपके साथ ये हो रहा है। जहां पर वो सबूत थोड़ा सा उसको ढक दिया जाता ताकि आपको पता ही ना चले कि आप जो ये लाइफ जी रहे हो ये कर्ज की जी रहे हो, आप अपने लिए नहीं जी रहे, आप सिर्फ दूसरों के ये जो सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि के लिए आपकी चॉइसेस आप ले रहे हो, डिसीजंस आप ले रहे हो, काम आप कर रहे हो। यहां पर ढका गया है सबूतों को, यहां पर ढका गया है ट्रुथ को, ट्रुथ तो देखा ही नहीं मेरी जान अभी तक आपने, झूठ में जिए हो, झूठ ही देखा है। बैक स्टैबिंग बहुत देखी होगी आपने, बहुत बैक स्टैबिंग देखी होगी इस पाइल ने। और वो जब हम बार बार झूठ 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 यही देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि भाई सच है कैसा, सच दिखता कैसा है, सच का रंग कैसा है, गीला कितना होता है सच, सूखा हुआ कितना होता है, चेहरा कैसा है, गोल है, कैसा चेहरा है सच का। द हैंगमैन, द हैंगमैन पाइल नंबर वन, एक मैसेज आपके लिए यहां पर ये भी है। और यहां पर एक स्पिरिट मौजूद है बच्चे की, यहां पर एक ऐसी स्पिरिट मौजूद है जो बाल की ऊर्जा में है, बाल गोपाल जैसे हम बच्चों के बारे में बोलते हैं ना, छोटा सा बाल, बालक, बालिका। जेंडर में मत जाना, एनर्जीज जेंडर, जेंडर के साथ कोई लिंक नहीं होता उनका, ओके। लेकिन ये मैं बाल की एनर्जी यहां पर, बालक की एनर्जी पिक कर पा रही हूं। और ये आपसे सवाल कर रही है, ये आपसे सवाल कर रही है कि तुमको जागना भी है क्या, तुमको सच में बदलाव चाहिए भी है क्या। और याद रखिए ये जो स्पिरिट है ये बहुत बच्चे की स्पिरिट है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत मासूमियत से भरा हुआ है। और ये आपसे सवाल पूछ रही है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तुमको जागना भी है क्या, तुम न्यू बिगनिंग का ढिंढोरा पीटते हो, तुमको ब्लेसिंग्स चाहिए, तुमको ये चाहिए, क्या तुमको सच में चाहिए। क्योंकि अगर सच में चाहिए तो बदलाव तो पहले तुम्हें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। जिसको सच में पाइल नंबर वन में, जिसको भी यहां पर न्यू बिगनिंग चाहिए, आपसे कहा जा रहा है अगर तुम सच्चे हो तो तुम इस सच को भी जी रहे हो कि भाई बदलाव मुझसे शुरू होगा। लेकिन अगर तुम ये सच को नहीं जी रहे हो तो तुम झूठे हो, तुमको नहीं चाहिए न्यू बिगिनिंग, तुमको वही घिसी पिटी लाइफ चाहिए, वही पैटर्न्स को रिपीट करना है तुमको। सच हो, सच जो होता है वो 100% सच होता है मेरी जान, वो 60-70% सच नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर ये एनर्जी जो है ये आपसे सवाल पूछ रही है। वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स,
डेफिनेटली स्पाइल के इर्द गिर्द ऐसी स्पिरिट्स मौजूद हैं जो क्वेश्चंस कर रही हैं आपसे, जो बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी एडिक्शन से भी जुड़ा हुआ है। इसमें इतने सारे ना स्वीट एनर्जी हैं। जब एक पेड़ बहुत लदा हुआ हो, कितने सारे फूल फल फूल है ना इसके ऊपर, देखो देखने में जैसे एप्पल की तरह लग रहा, रेड रेड से। तो जब आप ऐसे पेड़ की तरफ जाते तो लालच आता है, अरे मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, अच्छा एक गुच्छा और तोड़ लेता हूँ, उसको दे दूंगा, उसको दे दूंगा, ये कर लूंगा, जूस बना लूंगा, स्मूदी बना लूंगा। ग्रीड आती है हमारी। तो ये स्पिरिट पूछ रही है आपसे। यहाँ पर ट्री स्पिरिट के साथ भी एक गहरा नाता है आपका, पाइल नंबर वन। आपको खुद पता होगा ये कौन सा वृक्ष है जो रह रहकर आपके जहन में आता है, जो आपको आकर्षित करता है, जिसको आप कहीं ना कहीं सपनों में भी देखते हो, या सबसे ज्यादा आपकी कॉन्शियसनेस में ये ट्री मौजूद है। कुछ ना कुछ लिंक जुड़ा हुआ है इस ट्री के साथ आपका। तो ये ट्री आपसे पूछ रहा है ग्रीड, तुमको क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी? तुम यहां पर क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हो या क्वालिटी के पीछे? वो सिर्फ आपसे आंसर चाह रहे हो, आपको जज नहीं कर रही ये ऊर्जा, आपको जज नहीं कर रही, ये सिंपली आपसे आंसर मांग रही है। तुम क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हो या क्वालिटी के पीछे? अब आपका काम क्या है? आंसर देना। आपका आंसर क्या है? और आंसर देने से पहले इस फैक्टर को कंसीडर करना है कि ग्रीड, मुझ में ग्रीड कितनी है, मैं लालची कितना हूं, या बना दिया गया हूं, लालची बना दिया गया हूं, सोसाइटी का सिस्टम, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग। क्योंकि जब आप इस फैक्टर को कंसीडर करोगे ना, ग्रीड को टटोलोगे खुद को, तभी आप ऑनेस्ट आंसर दे पाओगे। अगर आप ये इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हो तब आप क्या कहोगे कि नहीं नहीं मैं तो, मुझे तो क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी तो मुझे, क्वांटिटी के पीछे कौन भागता, क्वालिटी होनी चाहिए रिश्तों की, काम की। लेकिन क्या ये सच में ऑनेस्ट क्वेश्चन होगा? ऑनेस्टी ना पॉज मांगती है आपसे, इंट्रोस्पेक्शन मांगती है आपसे। तो ये स्पिरिट का क्वेश्चन है आपसे, पाइल नंबर वन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि यही चीज आपकी फाउंडेशन को निर्धारित करेगी। यहाँ पर आपकी फाउंडेशन क्या है, आपकी फाउंडेशन क्या है, एज अ पर्सन आप कैसे हो, एज एन इंडिविजुअल। मैं जब इंडिविजुअल एनर्जी की बात करूँ, मैं ये नहीं कह रही किसी का बेटा किसी की बेटी ये वो, मैं वो नहीं बात करी, आप एज अ सोल, इंडिविजुअल एनर्जी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये मिस्ट्री मैसेजेस हैं आपके। यहां एक नया ब्लू प्रिंट रेडी किया जा सकता है, क्योंकि हैंडमैन जब भी आता है मेरे लिए, विच मीन्स की ब्लड लाइन हीलिंग पॉसिबल है। यू नो, आप यहाँ पर अगर ऑटो इम्यून डिसीज है आपको, आप उसे ठीक कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपको अपनी परसेप्शन रीजेनरेट योर सेल्फ। आप लिटरली अपने आप को बदल सकते हैं। इट्स जस्ट कि कटघरे में खुद को खड़ा कर लो मेरी जान। सवाल दूसरों से नहीं, खुद से करो। ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, ये चैलेंज करते हैं ना आपको। हार्ट कंपास, आय हाय हाय हाय, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये क्या है? ये सिंपल स्टेटमेंट है, अपने दिल की सुनो। सिंपल स्टेटमेंट, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है। अपने दिल की सुनो, दिल में कौन है? ईश्वर है, प्रेम है, श्रद्धा है, फॉरगिवनेस है, अनंत प्रेम है। दिल में क्या है? अनंत प्रेम। अनंत प्रेम ही ईश्वर है, अनंत प्रेम ही आप हो, आपके ट्रू सेल्फ है। अनंत प्रेम से ही आपको सबसे जो ऑनेस्ट और एक्यूरेट आंसर्स है ना, वो अनंत प्रेम से ही निकलते हैं। सारे इंस्पिरेशन अनंत प्रेम से निकलती है। हार्ट कंपास फॉलो करो अपने दिल को भाई। फॉलो करो अपने दिल को। नंबर 13 डेथ कार्ड की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। ये दिल की सुनो। दिल ना पर
का नहीं डालता। दिल का क्या है, आपने होठों से कुछ छुपाने की कोशिश की तो आंखों में उतर आएगा सच। दिल का मामला कुछ ऐसा है मेरी जान, दिल से छुपता नहीं है कुछ भी। दिमाग को तो बहुत मैनिपुलेशन आती है, उसको पता है किसी चीज को फेक कैसे करना है। आप अंदर से पूरे हिले पड़े हैं लेकिन 10 लोगों में बैठे हैं और आप इतना हंस रहे हैं ऊंची ऊंची, और ये आपसे बड़ा, आपसे जरा खुश तो दिखेगा ही नहीं कोई। वो दिमाग करता है, दिमाग को ना मास्क लगाना बहुत अच्छे से आता है, दिल को नहीं आता। दिल को नहीं आता। दिल का क्या है, वो जैसे मैंने पहले कहा, होठों पे नहीं है तो आंखों में आ जाएगी, उतर आएगी, लेकिन छुपेगी नहीं। आंसू छुपते हैं क्या, आप मुझे बताइए। मैं कहती हूं जब किसी की आंखों में हल्का सा भी आंसू आता है ना, वो दिख जाता है हमको। आंसू क्या है, इमोशंस, हार्ट चक्र एनर्जी। पाइल नंबर वन, अवेकन। तभी वो इनर चाइल्ड की, इनर चाइल्ड कह रही हूं, वो जो बच्चे की जो स्पिरिट मैंने यहाँ पर महसूस की, वो आपसे ये कह रही है ना, जागना है कि नहीं जागना है, और यहाँ पर अवेकन एनर्जी है ये। अच्छा, वो यहाँ पर आपको एक हल भी दे रहे हैं कि जागना है तो पहले आंखें बंद करो, क्योंकि अभी तक तुम्हारी आंखों ने जो देखा है वो पूरा सच नहीं है, वो सच नहीं है ना, तो आंखें बंद करो। पूरा सच देखना है तो आंखें बंद करो, फिर दिखेगा। और जब वो तुम आंखें बंद करोगे, और तब जब अपनी आंखें बंद करके जब अपनी आंखें खोलोगे तब तुम जागोगे, क्योंकि तब तुम सच देखकर आ रहे होंगे ना कि हाँ, मैंने अब सच देख लिया। सो इस पाइल को मेडिटेट करने की जरूरत है। मेडिटेट, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब चीजें करने की जरूरत है। और एक बात बताऊं आपको, पाइल नंबर वन, चीजें ना बदली जा सकती है मेरी जान, चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन वो अब आपके ऊपर है कि आप कटघरे में खड़े होकर गीता की कसम खाकर भी सच बोलते हैं, या फिर आप अपने ईमान को कहते हैं कि नहीं, जो हो रहा है वैसे ही ठीक है। किसी को अपने सच में आने की जरूरत है यहां पर, लिटरली किसी को अपने सच में आने की जरूरत है। मुझे क्वांटिटी क्वालिटी का जब क्वेश्चन किया जाता है, ना 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 ना, मेरे पास ये नॉलेज है कि नहीं नहीं क्वालिटी ही अच्छी है, लेकिन क्या सच में आप वो कर रहे हो? क्योंकि जागना है तो सच चाहिए। शाइन, तभी रोशनी से भरी हुई ऊर्जा ना, मैंने क्या बोला, बड़ी अतरंगी, बड़ी कलरफुल चॉइसेस रही, एक्सक्यूज मी, चॉइसेस रही होंगी आपकी। शाइन, आर्टिफिशियल लाइट शाइन करनी है अपनी, या फिर नेचुरल लाइट शाइन करनी है अपनी। ये खुला बाग है, सरसों के वो सूरजमुखी के खेत हैं ये, इस कार्ड में आप देख सकते हैं। कि मुझे मेरी आर्टिफिशियल लाइट को शाइन करना है, जहाँ पर मैंने सम हाउ सोशल मीडिया पर देख लिया है कि इतना ना कैसे है, सेल्फी खींचते वक्त मुंह कैसे बनाना है, या फिर मुझे मेरी रियल नेचुरल लाइट को शाइन करना है, जहाँ पर मैं सेल्फी खींचते समय ट्रेंड को नहीं फॉलो कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसने ऐसा मुंह बनाया था और आजकल यही चल रहा है, नहीं, मेरा क्या स्टाइल है, मेरी नेचुरल लाइट क्या है, मेरी नेचुरल एसेंस क्या है। This is very thought provoking pile number one, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इस पाइल में ऐसी पोटेंशियल है कि ये ऐसे रास्ते पर चले जिस पर पहले चला नहीं गया, और ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है हमें, क्योंकि आजकल भेड़ चाल का समय चल रहा है, ऑथेंटिसिटी खत्म हो रही है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, क्योंकि सभी भेड़ चाल में लगे हुए हैं। आपको नहीं पता आप क्या ऐड कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं आप उनके आंसर्स ढूंढ लो, आपको पता ही नहीं आप क्या ऐड कर सकते हो, आप क्या दे सकते हो। ये
थॉट प्रोवोकिंग एनर्जी है जो आपको हिलाए, आपको कंफर्ट जोन में ना रखे, आपको हिलाए, हिला कर रख दे आपको। लेकिन उस तक, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए भी कुछ तो लगेगा ना, लागत तो किसी किस्म की लगेगी। यहां पे ऐसे तो नहीं मुंह उठा के पहुंच जाओगे। द हैंगमैन फिर से है हमारे पास, लेकिन देखो अभी ये किस तरीके से गिरा। मैं रीड नहीं करती हूँ हालांकि रिवर्सल्स, लेकिन जिस तरीके से ये गिरा, और यू नो मेरा खुद का मानना है कि समय समय पर हमें इवॉल्व होते रहना चाहिए, यू नो, और इवॉल्व होने के लिए, एवोल्यूशन के लिए, आपके लिए, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हैंगमैन यहाँ पर, अभी यहाँ पर जो उल्टा है अब यहाँ पर सीधा है। ये वही चीज है कि मेरी बाजू मरोड़ रखी है किसी ने नाज, मैं क्या करूं। नहीं, तुम कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करो और अपनी बाजू को सीधा करो। सफरिंग खत्म, पेन खत्म होगी ना, फिर करना तो तुमको ही है, कटघरे में तो तुमको ही खड़ा होना पड़ेगा, तभी तभी किया जा सकता है ये। सो यस, पाइल नंबर वन, इतनी थॉट प्रोवोकिंग रीडिंग। आई होप कि आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली है। आप लिटरली, जैसे मैंने कहा, ये थॉट प्रोवोकिंग रीडिंग है, तो कुछ तो खनका होगा, कुछ तो खनका होगा आपके आपके जहन में। कुछ खनका हो तो शेयर कीजिए अपना फीडबैक। कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है ना, आप लिखिए और मैं पढ़ूंगी। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो यस, कमेंट सेक्शन है आपके लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, बेझिझक आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वेबसाइट है मेरी www.shunyacreates.com, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइए और देखिए अगर आपको चाहिए पर्सनल सेशन, मुझे खुशी होगी आपके साथ काम करके। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग मेरी जान, बहुत सारा प्यार। पहले मैं टैरो रीडर थी, अब मैं सिर्फ आपकी सखी हूँ आपकी दोस्त नाज, आपको ढेर सारा प्यार भेज रही हूँ। आपकी जय हो, आपका मंगल हो, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर टू, कैसे हो आप? तो यस, आज है आपकी रीडिंग मिस्ट्री मैसेजेस की। देखते हैं कि आपके लिए क्या मिस्ट्री मैसेजेस हैं। आपने कार्ड चूज किया है सेल्फ वर्थ। दो शब्द मिलकर एक शब्द बना रहे हैं, संगम, यूनियन, यू नो, इंटीग्रेशन बेसिकली, जहां पर दोनों शब्दों की अगर देखें, दोनों शब्द अपने अपने लिहाज में भी पूरे हैं। सेल्फ का भी अपना एक मतलब है, वर्थ का भी अपना एक मतलब है, लेकिन जब ये दोनों साथ में आते हैं तब एक और खूबसूरत मतलब निकालते हैं, यू नो। ये बेसिकली बात करता है कार्ड की, कैसे हमारी एक इंडिविजुअल सेल्फ है जिसका अपना एक महत्व है, सिग्निफिकेंस है, पर्पस है, और वो कुछ ऐड कर रही है। जैसे डिक्शनरी में सेल्फ कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है ना, वर्थ कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, वैसे ही डिक्शनरी में जब दो शब्दों का संगम होता है तो वो भी कुछ ऐड कर रहे हैं डिक्शनरी में। डिक्शनरी को कैसे देखेंगे, ये दुनिया हमारी, ये संसार हमारा, तो हमारी इंडिविजुअल सेल्फ भी कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर रही है। लेकिन हमारा जो एनर्जी एक्सचेंज है, फैमिली है, यू नो, हम जिस सिस्टम में पैदा हुए हैं, हमारी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स, जीवन में जिन लोगों से हम मिलते हैं, कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, ये सारी चीजें भी कुछ ना कुछ ऐड कर रही हैं अर्थ कॉन्शियसनेस में बेसिकली। मतलब है बेसिकली, कहने का मेरा जो यहाँ पर मतलब है वो यही है कि मतलब है, चीज़ों का मतलब है मेरी जान, चीज़ें ऐसी नहीं हो जाती, यू नो। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, सुख दुख धूप छाया, वही चीज़, हर चीज़ का एक मतलब है। पायल नंबर टू, नंबर है आपका 27, दो नंबर, सेवन नंबर साथ में मिलकर 27 बना रहे हैं तो वही चीज़ है। सो मतलब होता है चीज़ों का बेसिकली, ये कार्ड आपसे यही कह रहा है
और क्या है पायल नंबर टू के लिए, और क्या पायल नंबर टू को जानना है? अच्छा जी, वी हैव द एस ऑफ वांड्स, कमल के फूल में जैसे एक एंजल, एंजल ऑफ पीस, यू नो, जैसे उनके हाथ में भी वो एक बर्ड है वाइट कलर का जो पीस की निशानी है, कमल का फूल और ऊपर से एंजल और ऊपर से पीस का सिंबल, आप देख रहे हो कितनी सारी प्योरिटी, ओ माई गॉड, इतनी प्योरिटी अगर हम इस दुनिया में ऐड करते हैं तो मतलब ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाए, इज़न्ट इट, कितनी सारी प्योरिटी है। लेकिन देखो ना, यहाँ पर कमल का फूल जिस जो फाउंडेशन है इस एंजल जो एनर्जी है इसकी भी और इस वाइट बर्ड की भी जो फाउंडेशन, क्योंकि इनके ऊपर ही खड़ी है ना ये ऊर्जा, तो फाउंडेशन क्या, फाउंडेशन उग रही है कीचड़ में, इससे तो वाकिफ है ना आपकी, जो कमल का फूल होता है वो कीचड़ में उगता है, स्मेल भी बहुत बुरी आती है, मैंने मतलब आंखों देखा है, अजीब सी स्मेल आ रही होती है, लेकिन दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं कमल के फूल, वो आपके ऊपर है कि आप स्मेल पर ध्यान दे रहे हो कि अरे मेरी जान कितनी बदबू आ रही है, या फिर आप यहाँ पर फूलों की खूबसूरती पर ध्यान दे रहे हो। सो यस, यहाँ पर फाउंडेशन, चीज़ें खड़ी किस चीज़ पर हैं, बुनियाद, यहाँ पर पहला मैसेज है बुनियाद का, चीज़ों की बुनियाद क्या है पायल नंबर टू, आपसे ये सवाल किया जा रहा है, आपके जीवन की बुनियाद क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, आपका किन चीजों पर विश्वास है, आपका क्या मानना है। अगर मैं बहुत सिंपल हिंदी में आपसे सवाल करूं, जो ये कार्ड मुझसे कह रहा है, और फिर मैं वही सवाल आपसे पूछती हूं, आपका मानना क्या है मेरी जान, आपका कहना क्या है इस चीज के बारे में, आप पूछेंगे किस चीज के बारे में, उसी चीज के बारे में जो आपकी लाइफ में हो रही है, और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे कैसे पता होगा वो तो आपको पता होगा ना, सही बात बता रही है कि नहीं बता रही, आप बताओ मुझे आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे कैसे पता है वो, मुझे तो वो पता होगा जो मेरी लाइफ में हो रहा है, मैं तो बस ये कह रही हूं जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसके बारे में आपका क्या मानना है, क्या कहना है, आपसे पहला ये सवाल पूछा जा रहा है, बुनियाद क्या है, फाउंडेशन क्या है। खड़ा तो कुछ भी किया जा सकता है, टावर भी फाउंडेशन पर ही खड़ा होता है, टावर कौन सा बादलों पे बनाते हैं हम, टावर कार्ड होता है ना टैरो में एक, उसकी भी फाउंडेशन ही होती है, वो भी जमीन पर ही खड़ा होता है, उसकी भी एक फाउंडेशनल कॉन्क्रीट एनर्जी होती है, तो खड़ा करने को तो कुछ भी कर लो, कहने को तो कुछ भी कह लो, लेकिन सच में क्या कहना है, सच में क्या मानते हो भाई, ये सवाल है आपसे, क्योंकि ये है प्योरिटी, जैसे मैंने कहा कितनी प्योरिटी है, लोटस प्योरिटी के बारे में बात करता है, लोटस कहता है कि यू नो आप कीचड़ में उग रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप भी कीचड़ हो, तुम कमल हो, तुम लोटस हो, तो तुम अपने इस सच को जियो, तुमको कीचड़ में रहने की वजह से तुम खुद ही कीचड़ बन गए, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम 3D रियलिटी को भी देखें, बहुत सारे लोग बुरे होते नहीं है मेरी जान, ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इतना काम कर चुकी हूँ, मैं क्लाइंट्स के साथ काउंसलिंग भी कर चुकी हूँ, टीच कर चुकी हूँ लोगों को, लोग बुरे नहीं होते, लोग बुरे बन जाते हैं, क्योंकि बिटरनेस इतनी है इस दुनिया में, और जब हम बिटर एक्सपीरियंसेस के एकदम संपर्क में आते हैं तो हमें लगता है कि उफ यही मेरी सच है, तो मैं इसी सच को जियो, हम अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को भूल जाते हैं। तो आपकी फाउंडेशन क्या है, द हायरोफॉन्ट, आप जो करते हो वो किसके कहने पे करते हो, ये भी एक सवाल है आपके लिए, मिस्ट्री मैसेजेस में एक सवाल ये भी है, आप जो कर रहे हो वो किसके कहने पे कर रहे हो, वो आपकी हायर सेल्फ है या ईगो सेल्फ है, वो आपके मन का शोर है या आपके बाहर का शोर है। यहां पर ये हायरोफॉन्ट आग सेक रहा है, यू नो, लेकिन इसके पीछे एक साया भी है, बहुत छोटा सा ना, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का साया है, बड़ी स्क्रीन में दिखेगा, शायद फोन पर नहीं दिखेगा आपको अच्छे से। जो आप कर रहे हो वो किसके कहने पे कर रहे हो, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये सारे सवाल आपके सेल्फ वर्थ से जुड़े हुए हैं, कितना दिखाना है, कितना छुपाना है, कितना, यहाँ पर चेहरा ढका हुआ है लेकिन माथा और आंखें दिख रही हैं,
तो जो भी किया जा रहा है वो किसके कहने पे किया जा रहा है, शोर कितना है मेरी जान, बेसिकली आपसे ये सवाल करने की वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों कार्ड्स की खासियत ये है कि मैं इन दोनों में प्योरिटी पिक कर पा रही हूँ। एस ऑफ वॉन्स मतलब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना कितनी प्योरिटी है इस कार्ड में। हायरोफंट टीचर कॉन्शियसनेस, गुरु कॉन्शियसनेस, सच्चा गुरु किसे नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल टीचर्स किसे नहीं चाहिए, गाइडेंस किसे नहीं चाहिए, तो प्योरिटी है। पूरा गुरु भी कहते हैं वही होता है जो थाली में परोस के नहीं देता आपको, वो बताता है आपको ये चावल है, ये दही है, ये रोटी है, ये सब्जी है, ये है, और तुम अब अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो, ये थाली है तुम्हारे पास, तुम अपने अनुसार रोटी यहाँ जाएगी, दही यहाँ जाएगा, सब्जी यहाँ, वो तुम्हारी क्रिएटिविटी है। पूरा गुरु ही वही है जो आपको थाली में कभी परोस कर नहीं देगा, वो आपको आपकी कॉन्शियसनेस के साथ खेलने की स्पेस देता है। पूरा गुरु जो होता है ना, सच्चा गुरु जो होता है, थाली में परोस के नहीं देता आपको। कुछ लोगों को यही यहां पर मंथन करने की जरूरत है कि मुझे थाली में परोस कर कितनी चीजें दी गई हैं, क्योंकि दी गई है आपको, क्योंकि कीचड़ है यहां पर। पिक्चर में सिर्फ कमल का फूल या एंजल या बर्ड नहीं दिख रहा हमको, सिर्फ हमको कीचड़ भी दिख रहा है नीचे। तो थाली में कितनी चीजें परोस के दी गई, क्योंकि उसका नुकसान क्या हुआ आपके साथ पाइल नंबर टू, आपकी क्रिएटिविटी रुक गई। एक अंधभक्त जैसे वाली ऊर्जा होती है ना कि ये इसे इस पर ऐसे चलना है, ये ऐसे करना, आप उसको जैसे फॉलो करने लगे, सेल्फ रियलाइजेशन है ही नहीं कहीं, तो क्रिएटिविटी रुक गई ना। जो इमेजिनेशन के साथ खेला जा सकता था, जो क्रिएटिव आइडियाज को जन्म दिया जा सकता था, जो टैलेंट्स को परस्यू किया जा सकता था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं आया भाई, क्योंकि क्रिएटिविटी के साथ खेले ही नहीं आप, तो सेल्फ वर्थ कहां से बनेगी। आपने अच्छे काम किए होंगे, आपने अचीव किया होगा, मैं कह रही हूं आपसे कि आपने जो अचीव किया है, जो आपकी पोटेंशियल है, जैसे मान लीजिए 100% पोटेंशियल है आपकी, लेकिन अभी तक आपने जो अचीव किया है वो 5% भी नहीं है। आप 100% कर सकते थे, इस चीज की थाली में परोस कर चीजें आपको मिलती गई। तो जितना दिखा सकते थे, जितना शेयर कर सकते थे, जितना दे सकते थे, ले सकते थे, सारी चीजें सेल्फ वर्थ से ही जुड़ी हुई है ना, रिसीविंग गिविंग, वो 100% नहीं बन पाई मेरी जान। यहां पर नजारा सिर्फ कमल का फूल है, एंजल है, यू नो बर्ड है, प्योरिटी, लेकिन खड़ी किस चीज पर है, बुनियाद क्या है, उसको तो देखा ही नहीं गया, उसको तो चेक ही नहीं किया गया। यहां पर एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है पाइल नंबर टू आपके लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को चेकअप कीजिए। ओ माई गॉश, एक ऐसी लहर सी उठी मैंने जो अपने विजन में देखा। ये पायल बहुत इंटेंस मेंटल इश्यूज से गुजर रहा है, हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इस वक्त, हू सीरियसली पायल नंबर टू, आप मुझे बहुत एंग्जाइटी दे रहे हो। आपकी मेंटल हेल्थ इस वक्त इतनी ज्यादा बिखरी हुई है और आपको इतनी हेल्प की जरूरत है, मैं बता नहीं सकती। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को चेकअप करने की जरूरत है। सेवन ऑफ वॉन्स, फियर, यहां डर भी है, आंखें हैं यहां पर, आपको ऐसा लगता रहता है कि आपको कोई ना कोई देख रहा है, ठंड हो गई एकदम से, हालांकि मैंने हीट भी चला रखी, लेकिन मेरे हाथ ना सुन पड़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता रहता है पाइल नंबर टू, कोई देख रहा है आपको, आंखें हैं यहां पे, आप पे नजर है, आपके एक्शंस, आपके चॉइसेस, आपके आपके ख्वाबों पर, आपके घर पर, आपकी बॉडी पर किसी ना किसी की बुरी नजर है। आप जैसे साये में रहे हो इस डर को, या तो आपने पास्ट में इतना जिया है, ये पास्ट की भी ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि ये रेपिटेटिव पैटर्न्स का भी कार्ड होता है, सेवन ऑफ वॉन्स, रेपिटेटिव पैटर्न्स पास्ट से ही चल के प्रेजेंट तक पहुंचते हैं ना, तो यस, ये पास्ट की भी ऊर्जा हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये प्रेजेंट एनर्जी है, जहां पर आप इस एनर्जी से गुजर रहे हो, जहां पर
डर इतना ज्यादा है आंखों का कि मुझे कोई देख रहा है ना, मुझे कोई स्टॉक कर रहा है, मेरे ना एक्शंस, मेरे कदम, मेरे हर कदम पर किसी की नजर है, इसलिए डर आ जाता है फिर उससे आपका, हाय मैं ये काम करूँ या ना, क्योंकि मेरे ऊपर तो नजर रखी जा रही है, मेरे ऊपर तो कैमरा फिट किया रखा है किसी ने। यहाँ पर भ्रम भी बहुत है, यहाँ पर भ्रम भी बहुत है। पता नहीं कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, लेकिन एक स्पेसिफिक मैसेज है। आप थोड़े से ना अंधविश्वास में भी जीते हो। पायल नंबर टू, अंधविश्वास किस किस्म का, मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे छींक आ गई किसी को, यू नो, छींक आ गई। कभी कभी कुछ कल्चर्स में ये देखा गया है कि छींक आ गई किसी शुभ काम को करने से पहले, तो वो बुरी चीज है, यू नो, विश्वास है, ठीक है, मान्यता कभी कभी कुछ कल्चर्स की हो सकती है, लेकिन ये मान्यता इतनी हावी है अब आपके ऊपर कि डर पैदा कर रही है। ये आपको ये स्पेस नहीं दे रही सोचने की कि छींक आ गई तो आ गई, क्या है, डकार आ गया तो आ गया ना, नींद आ गई तो आ गई, नींद नहीं आई तो नहीं आई। इससे कि कॉन्क्रीट रीजंस जो हैं वो डर से, डर की स्पेस से ढूंढे जा रहे हैं। ये बहुत पावरफुल मैसेज मैं दे रही हूं आपको। जो कॉन्क्रीट रीजंस हैं, ये हुआ इस वजह से हुआ, ये डर के स्पेस से आ रहे हैं, बहुत सारे डर के। ये रिलेशनशिप्स के लिए बिल्कुल भी हेल्दी एनर्जी नहीं होती कि ये उसने कहा, ये उसने किया तो उसका ये मतलब है। बिना सोचे समझे हम ये कॉन्क्रीट रीजंस अपने बिहाफ पर बना रहे हैं, और स्पेस क्या है हमारी, डर। ये बहुत डेंजरस है, ये पता है कितना डेंजरस है, इस पर विचार करके देखना। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, तो शुभ काम पर जा रहे हैं जी, बिल्ली रास्ता काट गई तो अब तो नुकसान होगा ही होगा, और नुकसान हो भी गया, मान लो कि हो भी गया, उसमें बिल्ली का कसूर नहीं है मेरी जान। आपने इतना सोच लिया उस एनर्जी के बारे में कि आपने वो फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट कर ली अपनी तरफ, वैसी ऊर्जा है यहां पर। पायल नंबर टू, क्या मिस्ट्री मैसेजेस हैं आपके लिए। यप, वी हैव स्पिरिट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ट्री फॉर्म है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी रूट्स हैं, है ना, ट्री, यू नो, जब हम ट्री की बात करते हैं हम कहते हैं कि इतना विशाल, इतनी विशाल ये ऊर्जा जिस पर पत्तियाँ हैं, जड़ें हैं, यू नो, बहुत कुछ हैं बेसिकली ट्री के बारे में। एक चीज़ थोड़ी है, ट्री की टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, बुनियाद है उसकी, और एक पूरी एनर्जी जड़ों की ऊर्जा। और यहाँ पर आप मून की भी एनर्जी देख सकते हैं, जैसे न्यू मून की एनर्जी हो, और ये है रेस्ट की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर टू, इस डर की वजह से ना आप रियल में रेस्ट नहीं कर पाए हो, जो है कहता ना कि सच्ची वाला आराम, जहां पर आप लिटरली सो रहे हो तो आप सो रहे हो, वो नहीं इस पायल ने शायद काफी समय से महसूस किया है। रियल हंसी भी हो सकती है, आप हंसे हुए होंगे, मैं नहीं कह रही हूं कि आप हंसे नहीं होंगे, आपको हंसी आई होगी वो, लेकिन दिल वाली जो, दिल से जो निकलती है ना, वो नहीं है यहाँ पे, मिसिंग है यहाँ पे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिसिंग है। क्योंकि मून के ना अलग अलग फेजेस होते हैं मेरी जान, मून सिर्फ यही नहीं है, ये जो क्रेसेंट मून आप देख रहे, इस मून सिर्फ ये थोड़ी है, मून के तो अलग अलग फेसेस हैं, लेकिन यहाँ पर इसी को ही जिया जा रहा है, इसी को ही सब सच माना जा रहा है, जैसे इसी को ही बुनियाद गिनी जा रही है। तो आप चीजें कर रहे हो, आप चीजें अचीव कर रहे हो, पा रहे हो, लेकिन जो 100% पाने की जरूरत है ना, या जो करने की जरूरत है, वो नहीं हो रहा यहाँ पे। ये पल बहुत ऐसे त्रासदी से भी गुजर रहा होगा जहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी लाइफ में, सेटिस्फेक्शन नहीं है इस पाइल की लाइफ में। अगर खुशी कोई मान लीजिए मिली भी, वो आपको बहुत जल्दी नॉर्मल कर देती है। कभी कभी होता है ना, कोई खुशी आई, हम बहुत हाई वाइब में हैं, हमारा एक दो हफ्ता तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा है आपके लिए कि खुशी आई, जिस मोमेंट में आई उस वक्त तो आप बहुत खुश हैं, लेकिन एक रात के बीतने से ही वो खुशी कहीं चली गई,
ये है यहाँ पर, खुशी टिकती नहीं है, वो आपके नर्वस सिस्टम के साथ जैसे अटैचमेंट में नहीं आती है और उसकी वजह से संतुष्टि नहीं है इस पायल के जीवन में। आपको लगता है कि मैं कुछ भी अचीव कर लूँ नाज, लेकिन वो संतुष्टि रहती नहीं है, एक एक पल के लिए रहती है, फिर से मैं वही 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 बन जाता हूँ जो मैं पहले था उसको अचीव करने से पहले। यहां पर एक इनडायरेक्ट एनर्जी भी मौजूद है, टेन ऑफ कप्स, इनडायरेक्ट एनर्जी मौजूद है यहां पर। मुझे ऐसा भी लगता है पाइल नंबर टू, आपकी सोल एक ऐसी कॉन्शियसनेस को कैरी किए हुए है, ऐसी मेमोरी को कैरी किए हुए है जहां पर किसी बड़ी खुशी के आने से पहले कोई बड़ा दुख रहा है आपके जीवन में। और इस ये चीज़ काफ़ी बार रिपीट हुई है कि बहुत बड़ी खुशी के आने से पहले आपको बहुत दुख के प्रति एक्सपोज किया गया है, जिसकी वजह से जब वो बड़ी खुशी आती भी है आप पूरे तरीके से खुश नहीं हो पाते, क्योंकि आप उसी मातम में होते हो ना, जो खुशी से पहले जो जो धक्का लगा है आपको, जो 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 जिस चीज़ का लॉस हुआ है आपके जीवन में, उस चीज़ का धक्का, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, खत्म भी नहीं हुई है अभी प्रोसेसिंग, और आपके सामने वो खुशी आ गई और उस वजह से आप 100% उस खुशी में इन्वॉल्व नहीं हो पाए। ये एक मेमोरी है आपकी जो अभी स्टोर्ड है, ओके, और इस वजह से भी ये सेटिस्फेक्शन पर असर पड़ रहा है। उसकी वजह से भी असर पड़ रहा है, जैसे आपकी खुशी लिटरली मैं कहूँ तो आपकी खुशी को नजर लगी हुई है, आम भाषा में अगर बात करें खुशी को नजर लगी हुई है कि खुशी मिलती तो है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, टेन ऑफ कप्स आता तो है, लेकिन इससे पहले मुझे बहुत कुछ गवाना पड़ता है और मैं उससे उभरा भी नहीं होता हूं, फिर ये खुशी आ जाती तो मैं खुश कैसे हूं, क्योंकि मैं अभी तो उभरा ही नहीं हूं, पहले उभर तो जाऊं फिर आ जाए खुशी। लेकिन ये खुशी आती गलत टाइम पे है, जैसे आपका ये भी एक दिक्कत हो सकती है पायल नंबर टू, आपको चीजें मिलती है लेकिन गलत टाइम पर, आपको चीज़ें मिलती हैं लेकिन गलत टाइम पर। और वो मुझे रिलेशनशिप्स क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप्स लोग आपके जीवन में आते हैं लेकिन गलत टाइम पर, आपको प्यार हुआ है गलत टाइम पर, आपने एक्शन लिया है गलत टाइम पर, आपने यस बोला गलत टाइम पर, आपने नो बोला गलत टाइम पर, जो किया आपने गलत टाइम पर और उसका अफसोस जुड़ा हुआ है। आपकी सेल्फ वर्थ अगर यहाँ पर बहुत बिखरी हुई है, उसका मेजर रीजन ये भी हो सकता है, चीजें गलत टाइम पर हुई, चीजें गलत टाइम पर कही गई। ओह माय गॉड, पाइल नंबर टू, ओह हो, ओके, लेट्स सी, वी हैव सोफिया जो कि स्ट्रेंथ कार्ड है, एंड वी हैव द एट ऑफ कप्स, and we have the nine of cups, we have the hanged man, eight of cups, आपके लिए एक path है pile number two, आपके लिए एक path है क्योंकि eight of cups literally एक path को ही show करता है जिस पर हम चल रहे होते हैं, you know, लेकिन इस path पर चलने की एक शर्त है। eight of cups की energy में अगर आपको tap in करना, उसकी एक शर्त होती है, उसकी शर्त क्या होती है, let go, let go, जाने दो यारो, जाने दो, एक मूवी भी है ना जाने दो, आई थिंक वो कॉमेडी मूवी है लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो मूवी, जाने दो यारो, समथिंग लाइक दैट, कुछ है ऐसी मूवी, नहीं देखी है ना तो आप गूगल करना, वो मूवी बड़ी अच्छी है, फनी है काफ़ी। खैर, एट ऑफ कप्स की शर्त है, एट ऑफ कप्स कहता है मैं तुम्हें रास्ता दूंगा, ओके, तुम इस रास्ते पर, मेरे रास्ते पर चल सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त यही है कि इस मेरे इस रास्ते पर कदम रखने से पहले तुमको लेट गो करना होगा जो भी अभी तक तुमने अक्यूमुलेट किया हुआ है, बैगेज तुम्हारा बेसिकली, उसको तुमको लेट गो करना, उसको छोड़ना होगा, उसको त्यागना होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, जैसे आपको, आप कहीं मूवी वगैरह देखने जाते हो, है ना, तो आप बाहर से खाना नहीं लेकर आ सकते, शर्त है ना उस चीज की कि आप बाहर का खाना नहीं लेकर जा सकते, शर्त है ये। वो अलग बात है कि आप कहें कि मैं हाँ हाँ जेब में छुपा कर लेकर जाऊंगा, खाऊंगा, वो तो, वो नहीं बात कर रही मैं, वो तो चलो ठीक है,
कभी कभी वो भी चलता है है ना. लेकिन वो नहीं बात कर रहे हम यहाँ पे. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक रूल बनाया गया है आपके लिए कि आप ये खाना बाहर का अंदर नहीं लेके जा सकते. वही है एट ऑफ कप्स कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम आ जाओ मूवी देख लो, कौन मना कर रहा है तुम्हें. यहाँ रंग भेद का कोई मसला नहीं है, जाति का कोई मसला नहीं, तुम आ जाओ. बस शर्त इतनी है, ये रूल है आपका कि इस रास्ते पर चलने से पहले जो तुमने बैगेज एक्यूमुलेट कर रखा है उसको तुमको त्यागना, वो मुझे देना होगा. फीस है तुम्हारी है. अगर तुम उस फीस को नहीं दे सकते तो आई एम रियली सॉरी, तुम नए पाथ के साथ नहीं जुड़ सकते. अगर ये पायल करियर या लव या हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी में नए करियर को और नए पाथ को, करियर को नहीं नए पाथ को ढूंढ रहा है, नया रास्ता अपने लिए ढूंढ रहा है, मिस्ट्री मैसेज आपसे कह रहा है पाथ है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, सामने खड़ा है, लेकिन चल इस वजह से नहीं पा रहे क्योंकि लेट गो नहीं कर पा रहे. अब आप कहें नाज लेट गो कैसे करें, तो वहां पर आती है सोफिया. शी इज वेरी स्ट्रांग. और आपको पता है हम सभी में स्ट्रेंथ है, हम सभी वीक भी हैं और हम सभी स्ट्रांग भी हैं. डुअलिटी है ना, डुअलिटी में हम बैठे हुए हैं सभी. तो अगर आप कहें मैं बहुत कमजोर हूं नाज, तो नाज कह रही है हाँ मैं मानती हूँ क्योंकि मैं भी हूँ कमजोर. लेकिन नाज आपको ये भी कह रही है तुम स्ट्रांग भी हो. और सोफिया वही काम कर रही है. सोफिया इज सेइंग कि तुम लेट गो कर सकते हो कैसे, अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करके, अपने आप को ये रिमाइंडर देके कि हाँ मैं स्ट्रांग हूं. जहां पर तुमने अपने आप को ये रिमाइंडर दे दिया, तुम्हारे लिए लेट गो करना ये है. क्या लगा इसमें एक सेकेंड, ये चुटकी मारने में मुझे कितना समय लगा, पल भर का भी नहीं. तुम कर सकते हो लेट गो, लेकिन यहां पर सोफिया कह रही है मैं कह रही हूं यू आर स्ट्रांग. लेकिन ये तो भी मैं कह रही हूं ना तुमको, वैसे तुमको खुद को कहने की जरूरत है आई एम स्ट्रांग. और जहां तुमने ये कहा बूम लेट गो, और पाथवे तो है ही, गोता लगा लो, नया रास्ता है आपके लिए. ओके, जहां पर आपको ये नकाब पहनने की जरूरत नहीं, आप दिख सकते हो, आपको लेयर्स के पीछे छुपने की जरूरत नहीं. दिस इज प्रोफाउंड इजंट इट, दिस इज वेरी गुड. पाइल नंबर टू, फ्री स्पिरिट. हमने पाथ की बात की और टैरो में ना पाथ को, नई जर्नी को कौन सा कार्ड दर्शाता है पता है, द फूल कार्ड. वो फ्री स्पिरिट को ही दर्शाता है वो. और फूल को हमने अक्सर देखा है एक डॉग के साथ, और यू नो एक छोटी सी पोटली, बड़ा बैगेज नहीं होता उसका, फन, फ्री स्पिरिट, राइट. लेकिन यहाँ पर फूल इस फेमिनिन एनर्जी के रूप में है, घने बाल बिखरे हुए एकदम से, यू नो एकदम से बाजू जैसे खुली हुई, इसलिए कि आई एम रेडी फॉर दिस. कोई सेकेंड थॉट नहीं है नाज मेरे पास अभी, क्योंकि लेट गो कर दिया तो बैगेज ही नहीं है, तो सेकेंड थॉट कहाँ से आएगा. अब मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ये नकाब उतारूं कि ना उतारूं, मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये कर रहा हूं. ये मेरी फ्री स्पिरिट है, फ्री विल है मेरी. जब नेक्स्ट टाइम बिल्ली रास्ता काटेगी, ये मेरे ऊपर है कि मुझे उसके उसको ये कहना है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अब मेरे साथ नुकसान होगा. ये पैटर्न को अब मुझे बार बार नहीं जीना है, क्योंकि अब मैं एक नई चॉइस ले सकता हूं और मैं कह सकता हूं कि इट्स जस्ट कि ये बिल्ली थी, काट गई तो काट गई, मेरे काम का, मेरी पोटेंशियल का और बिल्ली का कोई नाता नहीं है यहां पे. एक नया पैराडाइम, एक नई शिफ्ट है एनर्जी में, समझ रहे हो. ये पाथ चाहिए आपको, ये पाथ चाहिए आपको, और सोफिया उसमें आपकी मदद करेगी. हैव फेथ, पाइल नंबर टू, हैव फेथ. ओके, लिटरली सन की एनर्जी के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा. रोशनी, लिटरली रोशनी अलग अलग चीजों में ढूंढी जा सकती है. रोशनी सिंपल है, पहली बात रोशनी में ना पाखंड नहीं होता,
रोशनी बहुत सिंपल है, जैसे सूरज, सूरज सूरज है, सूरज को क्या कोई यू नो मेकअप करने की जरूरत है, सूरज सूरज है, सिंपल है। तो रोशनी सिंपल है, आपके लिए ये भी एक मैसेज है, एक रिमाइंडर है इस पाल के लिए। आई रियली डोंट नो ये कहाँ पर फिट बैठेगा आपकी लाइफ में, लेकिन सुनिए दोबारा से, रोशनी सिंपल है, सच सिंपल है, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है यहाँ पे। जो कॉम्प्लेक्स है वो सच नहीं है, वो रोशनी नहीं है, वो अंधकार है, जिसमें जटिलता है, जिसमें बहुत सारे रोल्स हैं, जिसमें बहुत सारी कंडीशनिंग है, वो सच नहीं है। सिंपल इज दैट। पाइल नंबर टू, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। दिस इज स्वीट इज़न्ट इट। कोई मुझसे ये कह दे ना हाय कि ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, विश्वास रखो सब ठीक होगा। कितनी प्यारी सी बात है, कितना प्यारा सा मैसेज है। पल भर के लिए ही सही, लेकिन एटलीस्ट मैं सुकून की सांस ले सकती हूँ इस स्टेटमेंट के साथ। पल भर के लिए सही जाए, को मुझसे एक बार ये कह दे तो ट्रस्ट, सिर्फ ट्रस्ट, फेथ रखोगे तो ट्रस्ट आएगा, है कि नहीं? सो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये स्टेटमेंट पर, ये स्टेटमेंट का सुकून चाहिए ना अगर आपको, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में मैं आपके लिए ये डेक यूज़ करना चाहूँगी। सो वी हैव लेपिस लजुली, रॉयल्टी, ट्रांसफॉर्मेशन, इमॉर्टैलिटी, ऑलराइट, रीगल इन ऑल फॉर्म्स, रीगल इन ऑल फॉर्म्स। वीनस की एनर्जी है यहां पे, रॉयल, रॉयल एनर्जी। सो ये जो भी आपने यहां पर जाना इस रीडिंग में, और जो आपको करने को कहा जा रहा है, अगर आपने वो कर लिया तो आपको लिटरली एक प्रॉमिस दिया जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन में लिटरल प्रॉमिस क्या है कि रॉयल, आप रॉयल बनेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो इतनी रॉयल बन जाएगी, इतनी शानदार बन जाएगी। हाई स्टेटस है मेरी जान, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग, आर्मी ऑफिसर्स, पावर होती ना, पावर, पावर है, लिटरल पावर, उस पाथ के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर यहाँ पर आप ये जो काम आपको करने को कहा जा रहा है आप वो कर लें, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये प्रॉमिस है आपका, और ये बहुत सारी रॉयल्टी आपके जीवन में लेकर आएगी। ओके, पाइल नंबर टू, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से मैं पाइल नंबर वन में भी सेम स्टेटमेंट कह रही थी, मैं कह रही थी कुछ ना कुछ तो खनका होगा। अगर अभी तक सुन रहे हो मुझे तो कुछ खनका है, कुछ लगा कि हाँ कुछ तो समझ में आया है ना। तो लिखना कमेंट सेक्शन में, अगर मन हो आपका तो ज़रूर लिखना, आप लिखोगे तो मैं पढ़ूंगी। ओके, तो यस, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर टू, मिस्ट्री मैसेजेस की। यस, ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने ना फुलझड़ी देखी, क्रैकर्स होते हैं ना, पटाखे, वो दिखे मुझे एकदम से। सेलिब्रेशन है किसी किस्म की, इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट। ओके, सो पाइल नंबर टू, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग की चाहत है तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं बुकिंग के लिए, www.shunyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू गाइज। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर थ्री, कैसे हो आप सभी? तो यस, ये है आपकी मिस्ट्री रीडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपका, और इसका जो शब्द भी है, किसे नहीं पसंद ये शब्द, रिलेशनशिप्स में खास करके ट्रस्ट की ऊर्जा कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई काम भी करें, आप यू नो उसमें बरकत भी तभी आती है जब वो ट्रस्ट के साथ, ईमानदारी के साथ आप वो काम कर रहे होते हैं। और नंबर भी है यहाँ पर 33।
मिररिंग एनर्जी, बेसिकली नंबर्स की मिररिंग एनर्जी, तीन तीन एक दूसरे को ही मिरर कर रहे हैं, यू नो, तभी 33 बन रहा है ना यहाँ पे. मिररिंग है तभी तो होगा ना, अगर यहाँ पर 37 होता तो थोड़ी थोड़ी मैं कहती मिररिंग, 3 3 को मिरर कर रहा है तो 3 ही बनेगा ना अक्स यहाँ पे. वही चीज़ है जैसे कि आईने में आप अगर अपने आप को सामने रखोगे तो आप ही दिखोगे ना, कोई और थोड़ी दिखेगा. वही चीज़ है बेसिकली. मिररिंग एनर्जी है, ब्लू कलर है, मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है. और जैसे मैंने कहा ट्रस्ट, ये शब्द भी अमूमन कलेक्टिव में सभी इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, सभी इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं. ट्रस्ट में ही कहते हैं कि खुशी है, राइट. सो बहुत बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जी. और ये ऊर्जा अगर इस कार्ड की इलुस्ट्रेशन की भी बात करें, यहाँ पर कुछ किया जा रहा है एनर्जी के साथ, जैसे कुछ किया जा रहा है खास करके हाथों का इस्तेमाल करके. यहाँ पर आंखें बंद हैं और यहाँ पर एनर्जी को फील किया जा रहा है कि मैं मिरर किस एनर्जी को कर रही हूँ, मिररिंग में हो क्या रहा है बेसिकली. सो चलिए देखते हैं कि आपके मिस्ट्री मैसेजेस यहाँ पर क्या हैं. पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है कि ये पाइल जो है ये पायल है इंटेलिजेंट लोगों का, इंटेलिजेंट लोग नहीं कहूँगी, इंटेलिजेंट माइंड कहूँगी. आई फील लाइक कि ये पायल का जो माइंड है वो ऐसी ट्रेनिंग से गुजरा है जहाँ पर आप कम उम्र में या कम एक्सपीरियंस में ही किसी लेवल की इंटेलिजेंस को हासिल कर लो. आई रियली डोंट नो, ये टफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जीवन में सिर्फ टफ ही होंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं आपके. मैं एक्सपीरियंसेस के नेचर की बात नहीं करना चाहती, ओके. ड्वालिटी है, कुछ भी संभव है. जो मैं मुद्दा उठा रही हूँ यहाँ पे वो मुद्दा है, ये पायल है इंटेलिजेंट माइंड का, ऐसे लोगों का जिनके पास इंटेलिजेंट माइंड है. वो अलग बात है कि आप अपनी उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो बात अगेन मैं नहीं कर रही, ओके. लेकिन आपके पास एक ब्रह्मास्त्र मौजूद है. किस चीज के बारे में है ये एनर्जी, इंटेलिजेंट माइंड? ओह ओके, आई थिंक आप पायल नंबर 3, आपकी ये पायल शायद मेडिटेशन बहुत कम करता है लेकिन उसके बावजूद ये इनकी अवेयरनेस काफी हो सकती है. एक होता है ना कि कुछ लोग मेडिटेशन नहीं करते लेकिन अवेयरनेस फिर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो इस तरीके से सेट किए गए होते हैं यूनिवर्स ने कि वही उनकी साधना बन जाती है. उनका टूटना, उनका बिखरना, उनका जुड़ना, उनका कुछ करना, अचीव करना, खोना, यही सारी चीज़ें मेडिटेशन बन जाती हैं. इस पायल के साथ ऐसा ही हो रहा होगा, या इस पायल में ऐसे लोग हो सकते हैं. मेडिटेशन बहुत कम है लेकिन अवेयरनेस फिर भी बहुत ज़्यादा है. सो यस, मेरा फिर से कहने का मतलब है कि ये पायल जो है अपने प्रेजेंट टाइम में जो भी सिनारियो चल रहा है, आप जो आपकी जो ऊर्जा है उससे, जैसे कह लीजिए कि एडवांस लेवल की है जो चल रहा है, आप उससे आगे का सोचते हैं. यू नो, फ्यूचर एनर्जी जो होती है, फ्यूचरिस्टिक एनर्जी जो होती है, एडवांस एनर्जी. कहते हैं ना कभी कभी हम देशों के बारे में भी बात करते हैं कि अरे ये देश तो 50 साल आगे है, यू नो, ये तो 100 साल आगे है हमसे क्योंकि ये तो इतना एडवांस का सोच रहे हैं. वही है यहाँ पे, विजनरीज हैं यहाँ पे. और आपकी अगर ये एबिलिटी यहाँ पर प्रत्यक्ष हो रही है तो विच मीन्स कि इस वक्त आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं या आपकी इस ऊर्जा की ज़रूरत है. सिंपल भाषा कि आपकी इस विजनरी एबिलिटी की या ये फ्यूचरिस्टिक जो एनर्जी है आपकी, इस वक्त एनर्जी फील्ड को, आपकी एनर्जी फील्ड को उसकी जरूरत है. कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअल में एस्ट्रल ट्रैवल दिख रही है मुझे अभी यहां पे. कुछ लोगों को लिटरली अपने फ्यूचर सेल्फ को अपने प्रेजेंट सेल्फ में मैनिफेस्ट करने की जरूरत है. यहाँ पर जो वेट है आपका फ्यूचर सेल्फ तक पहुँचने का, वो वेट यहाँ पर सही फिट नहीं बैठ रहा स्टोरी में फॉर सम रीज़न. यहाँ पर ये पायल जिन चीज़ों के लिए वेट कर रहा है, आपको दरअसल उन चीज़ों के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको जो उस पोजीशन में डाला गया है कि तुम वेट करो, अभी तुम इंतज़ार करो, ये आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा.
ये जो भी हो रहा है इंतज़ार का, ये इंसाफ नहीं है. और तभी यहाँ पर वो इनकरेक्ट, मुझे यहाँ पर रेड कलर का ऐसे क्रॉस दिख रहा है कि नो 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 नो, ये ठीक नहीं है, ये फाउल है. वो प्लेग्राउंड में भी जब हम कोई खेल खेलते हैं तो वो टिकट देते हैं ना, ये फाउल हो गया, ये सही नहीं था, ये सही ढंग से नहीं शॉट लिया गया. तो वही है यहाँ पे. तभी यहाँ पर जो आपकी फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी है, किसी को अपने प्रेजेंट सेल्फ में जीने की ज़रूरत है. वाओ, ओके, पाइल नंबर 3. ऑलराइट, ओहो, आई मीन वी हैव द हाई प्रीस्टेस. Alright, and we have the lovers card. दोनों ही यहाँ पर major arcana की energy है. Literally tarot में major arcana को आप advance energy ही count करते हैं, अगर आपको tarot की समझ हो. Advance energy, you know, major events को दर्शाती है ये ऊर्जा. तो story line में details को भी add करती होती है ये. तो दोनों ही cards यहाँ पर the high priestess and the lovers card हैं. और ये मेजर आर्काना की ऊर्जा, ये डेफिनेटली आपके फ्यूचर सेल्फ इस मिस्ट्री मैसेजेस के द्वारा आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है. आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि तुम कर सकते हो. पहली बात यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, तुम कर सकते हो. क्या कर सकते हो वो अब आपको पता है. ये वही चीज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि तुम कर सकते हो. आपने कभी ढोलक बजाई है क्या? पाइल नंबर 3, ढोलक बजाई है क्या? आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी पूछ रही है. कोई ना कोई यहाँ पर ढोल की या ढोलक की रिदम में कुछ है ऐसा जो आपके दिमाग के ढक्कन को खोलेगा. लिटरली सुनने में बड़ी क्लीशे से स्टेटमेंट लगती है, लेकिन ये है नहीं, ये मैं कॉमेडी नहीं कर रही यहाँ पे. ओके, आपकी फ्यूचर सेल्फ लिटरली कह रही है कि ढोलक की या ढोल की रिदम में ढक 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 कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपके कुछ जगाएगा आपके भीतर, यू नो, कुछ ना कुछ आपको किसी ढंग से प्रोवोक करेगा. लेकिन ये प्रोवोकिंग नेगेटिव नहीं है, ये आपको चाहिए. ये प्रोवोकिंग, ये पोक होने वाली एनर्जी आपको चाहिए. जैसे यहाँ पर लवर्स में आप देख सकते हैं वो क्या करे, वियर्ड एनर्जी है, यू नो, वो एक बंदा लेटा हुआ है, उसके ऊपर कैसे वो पोज सा बना रही है, अजीब सा. तो कभी कभी हमारे वियर्डनेस भी हमें सर्व कर सकती हैं, यू नो, कुछ ना कुछ हमारी चेतना में ट्रिगर कर सकती है, हमें प्रोवोक कर सकती है. और कभी कभी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे जीवन में डिटेल्स को ऐड करते हैं. मेजर आर्काना एनर्जी ये डिटेल्स ऐड करती है टैरो में. कुछ हटके करना पड़ेगा इस पाइल को. ओके, आपका इस वक्त अगर स्टक चल रहा है मामला, या आप संतुष्ट नहीं हो, या फिर सिंपल भाषा में आप खुश नहीं हो, पाइल नंबर 3, आपसे कहा जा रहा है कुछ हटके करो. और हटके करने के लिए तुमको लिटरली ये जो तुम्हारा इंटेलिजेंट माइंड है, यू नो, सारा ध्यान इसके ऊपर लेकर जाना होगा. क्योंकि इस पाइल में, इस कार्ड पे यहाँ पर ध्यान ही लगाया जा रहा है. और यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस स्काई को पुकार रही है. उसका हाथ जो है यहाँ पर, वो स्काई का आह्वान कर रहा है. यू नो, ये मेंटली कनेक्टेड एनर्जी है यहाँ पर, कॉस्मिक एनर्जी है यहाँ पर. आप किसी किस्म के ब्रेक थ्रू के करीब हैं पाइल नंबर 3. मैं एक चीज़ ये भी यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, और ये ब्रेक थ्रू मुझे मटेरियल वर्ल्ड का कम लग रहा है, और ये सोल का ब्रेक थ्रू, जैसे कह लीजिए कि बहुत बड़ी मैसिव सोल अवेकनिंग, बहुत ही भयंकर, जिसे कहते हैं ना कि ईगो एकदम से घुटने टेकते. कोई बहुत करीब है किसी किस्म के ब्रेक थ्रू के. कुछ लोगों की ये ब्रेक थ्रू अपने पास्ट की लाइफ को जानकर आएगी. तो कुछ लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने वाले हैं. अगर अभी आप कह रहे हैं कि नहीं नाज, मेरा कोई प्लान नहीं है, ट्रस्ट मी, एक ऐसी अलाइनमेंट नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपके लिए आने वाली है, जहां पर आपने सोचा भी नहीं है, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको इस अलाइनमेंट के साथ जोड़ देगा कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने की जरूरत है, और उससे आपकी यहां पर वो ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी एंटर करेगी लाइफ में. लोगों का ना गॉड के साथ इतना गहरा नाता है इस पाल का. ओ माय गॉश, मुझे हू
मुझे ना यहाँ पर एक ऐसी डिवाइन एनर्जी महसूस हो रही है, और इस पल का इतना स्ट्रांग कनेक्शन है गॉड या गॉडेसेस एनर्जी के साथ कि आप भक्ति, अगेन मैं वही कह रही हूँ ना कि आप भक्ति ना भी करो, आप मेडिटेशन ना भी करो, आप प्रेयर्स ना भी करो, दिया ना भी लगाओ, आप फिर भी जुड़े पड़े हो, आप फिर भी जुड़े हुए हो इस एनर्जी के साथ, विच मीन्स कि ये पल पल आपके साथ चल रही है। तभी यहाँ पर ये शैडो की एनर्जी है। मिररिंग क्या है? साया, शैडो। हमारा साया हमेशा हमारे साथ चलता है भाई, हम कहीं चले जाएं कहीं ना चले जाएं, साया साथ में है, साया साथ में है ना, मिरर साथ में है। तो आप यस, पाइल नंबर थ्री, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एनर्जी वर्क करने की जरूरत है। पाइल नंबर थ्री, आपको ना एनर्जी वर्क करने की जरूरत है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्चर हैं, आप कुछ भी हैं, मुझे, मैं उसकी बात नहीं कर रही। आपको लिटरली स्पिरिचुअल पाथ को या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने की जरूरत है, अगर आप इसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पर आप फॉलो नहीं कर रहे। और मैं कह रही हूं कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने की जरूरत है, इसका मतलब क्या है? यहां पर ये जो अननोन एनर्जी है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो प्रत्यक्ष है वो तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंट माइंड है। मैं कह रही हूं इसी इंटेलिजेंट माइंड की एनर्जी को चैनल करना है जो अननोन है, जो दिख नहीं रहा, जो इम्पॉसिबल सा लगता है माइंड को ना, ईगो माइंड को, ये एनर्जी को वहां पर चैनल करने की जरूरत है। क्योंकि आपके ये इंटेलिजेंट माइंड अननोन से कुछ ऐसा चुरा कर लेकर आ सकता है या ऐसा खींच लेकर आ सकता है जो इस वक्त, ये जो एज ऑफ एक्वेरियस चल रहा है, या फिर हम कह रहे हैं कि ये समय जो चल रहा है कलयुग का, बहुत सारे लोग जाग रहे हैं, कीर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, भगवान को जान रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ये जो चल रहा है ना, उसमें ये इंटेलिजेंट माइंड आपका कुछ ऐड कर सकता है, कुछ बड़ा। मैं ये भी बता दूं, कुछ बड़ा, क्योंकि यहां पर जिससे एनर्जी खींची जा रही है ना, ये है स्काई। स्काई पता है क्या है? इन्फाइनाइट। तो जब हम इन्फानाइट से कुछ खींचते हैं, कुछ लेकर आते हैं धरती पर, तो फिर देखो फिर क्या मतलब, आप सोच के देखो, इन्फानाइट जब ग्राउंड लेवल पर आएगी तो नज़ारा क्या होगा। तो आप कुछ ऐसा चैनल कर सकते हो पाइल नंबर थ्री, और क्योंकि आपके पास ये एडवांस यू नो माइंड है, इंटेलिजेंट माइंड, मैं एडवांस की जगह मैं फिर से एग्जैक्ट जो वर्ड यूज करना चाहती हूँ उस पाइल के लिए, आपके पास बहुत इंटेलिजेंट माइंड है। और मैं जब जब ये शब्द बोल रही हूँ, अगर आप हिल रहे हो, आपको लग रहा है कि हो कुछ आप महसूस कर रहे हो, एग्जैक्टली यही पॉइंट है इस शब्द को बार बार कहने का, ताकि आपको वो पोक करे एनर्जी। ओके, स्पिरिट चाहती है कि आप यहाँ पर पोक हो किसी ना किसी ढंग से। तो इंटेलिजेंट माइंड है आपका, और अगर आप यहाँ पर अननोन को समझने में लगाते हो इस माइंड को, तब आप कुछ ऐसा चैनल कर सकते हो, जो ये अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है लोगों का, और मान लीजिए इसमें अगर 100 लोग हैं, एग्जांपल मैं दे रही हूँ, 100 लोग हैं यहाँ पर, तो आपकी उस चैनलिंग से वो 1000 बन सकते हैं। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, स्पिरिट इज सेइंग कि तुझको मैंने ये इंटेलिजेंट माइंड दिया है, इसका कुछ कर बंदे, इसका कुछ कर, कॉन्ट्रीब्यूशन दे अपना। तुझको मैंने इतना खिला पिला कर तैयार इसलिए नहीं किया कि तुम इसको बस दफन रखो और या सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करो, स्वार्थ को छोड़ो। तुमको ये पूरी ट्रेनिंग दी गई है इतने मतलब जन्मों से, तुमको जो तुमने बैठकर मेडिटेशन नहीं की, इतना तुम्हारा सेटअप किया गया है इतने जन्मों से कि ये एक्सपीरियंसेस आएंगे और ये चीज़ें तुम्हारे माइंड की कॉन्शियसनेस को रेज करेंगी। वो इस वजह से नहीं किया हमने कि तुम सिर्फ इसको अपने तक सीमित रखो, अब समय है कॉन्ट्रीब्यूशन देने का। अब समझ रहे मेरी बात को? मैंने ऐसा मैसेज अपनी जिंदगी में किसी को नहीं दिया, आई स्वेयर टू गॉड। ये जो है आपसे अब लागत मांग रही है, क्योंकि अभी तक चल रही थी आपकी ट्रेनिंग कि पाइल नंबर थ्री के लाइफ में ये लोग भेजे जाएंगे, इस समय में भेजे जाएंगे, ये सफरिंग होगी, ये हैप्पीनेस होगी, और ये सारी चीजें इनके माइंड में कुछ पैटर्न्स को क्रिएट करेंगी, और ये सारे पैटर्न्स ने आपके माइंड को इंटेलिजेंट माइंड बना दिया।
लेकिन मसला क्या चल रहा है यहाँ पर कि अभी तक आप इस इंटेलिजेंट माइंड को सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये कार्ड्स कह रहे हैं, मिस्ट्री मैसेजेस कह रहे हैं आपसे अब है कंट्रीब्यूशन देने का, लेकिन उस कंट्रीब्यूशन के लिए आपको ये स्पिरिचुअलिटी को खंगोलना होगा, इसको खंगोलना पड़ेगा आपको, और आपको यहाँ पर ये अननोन से एनर्जीज को चैनल करना पड़ेगा। इस पाइल के लिए क्रिएटिव फोर्स इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। अगर आप यहाँ पर अपने कामों में क्रिएटिविटी नहीं लगा रहे, आप बहुत एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, बहुत ही एनर्जी वेस्ट हो रही है आपकी। अगर आप ड्रॉ नहीं कर रहे हो, आप सिंग नहीं कर रहे, गा नहीं रहे हो, नाच नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और ये सबसे बड़ा पाप है। मैं सीधा मुंह पे बोल रही हूं आपको, आप बहुत बड़े पाप कर रहे हो। आपको इसको बदलना पड़ेगा। पाइल नंबर 3, आपको लिटरली इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहां पर क्रिएटिव फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो जहां पर भी क्रिएटिविटी लग रही, फॉर एग्जाम्पल खाना परोस रहे हैं आप, वो खाना किस अंदाज में परोसा गया है वो भी यहाँ पर किसी ऐसी कॉन्शियसनेस को, ऐसे प्रिंट को जन्म दे रहा है, या कुछ ऐसा ऐड कर रहा है जो एट द एंड ऑफ द डे अवेकनिंग जो है, कलेक्टिव की जो अवेकनिंग है उसमें योगदान दे रहा है। जैसे आपकी क्रिएटिव फोर्स अननोन को नोन में बदलने का काम कर रही है। ये क्या है? वो कह रही है कि मैं इस हाथ से चैनल करूंगी और दूसरे हाथ में ये जो किताब पड़ी है, इस किताब में वो लिखते चली जाऊं, वो जो एनर्जी है वो उसमें दर्ज होती चली जाएगी, और ये किताब की 100, 200, 1000, 1,000,000 कॉपियां बनाई जा सकती हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं। तो इन्फानाइट एनर्जी यहाँ पर किताब में बदल रही है, और ये एक किताब बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकती है। Jesus Christ, pile number 3. Whoo! Yep. We have 9 of Pentacles. ये चीज आपको भी रिच बनाएगी। आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन देना, आपका अननोन को चैनल करना, आपका स्पिरिचुअल पाथ को फिलहाल फॉलो करना, आपकी खुद की रिचनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको खुद, आपके खुद के प्याले को भरेगी। आधे आधे भरे ना अगर आपके प्याले, उसको पूरा पूरा फिल कर देगी, यहां पर संतुष्ट कर देगी आपको भी। सो अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ को फिलहाल जीते हो, जो आपने काम सोच रखे हैं कि मैं आने वाले 10 सालों में करूंगा, 5 सालों में मेरा ये प्लान है, मैं ये एक्शन लूंगा, छोड़ दो, अभी लो, राइट नाउ, ये जो समय है अभी आपको वो एक्शन लेने का समय है। फ्यूचर सेल्फ को प्रेजेंट सेल्फ में जोड़ना होगा, जीना होगा, क्योंकि इस वक्त आपके इंटेलिजेंट माइंड की जरूरत है। स्पिरिट लिटरली आपसे कह रही है कि मैंने तुमको सिर्फ इस वजह से तैयार नहीं किया कि तुम अपने लिए ही जियो, अपने लिए ही काम करो, तुमको तैयार किया गया है ताकि तुम यहां पर मेरे जो बाकी के बच्चे हैं उनको जगाने में मेरी मदद करो। कहते हैं ना कि भगवान खुद थोड़ी आते हैं, वो तो मीडियम्स को चूज कर, आप मीडियम हो, आप मीडियम हो, समझ रहे हो बात को? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू नो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की खासियत ये है, अक्सर मैं इसके बारे में ये बात अपने चैनल पर कहती आई हूं, क्योंकि मैंने इस एनर्जी को जिया है, मुझे पता है ये एनर्जी कैसे काम करती है। क्वीन ऑफ वॉन्स है दिल धड़काने वाली ऊर्जा, बहुत दिल धड़का देती है ये आपका। करिश्मा होता है ना एक, किसी का एक ऑरा होता है कुछ लोगों में, बस खींचते चले जाते हो आप उनकी तरफ, तो क्वीन ऑफ वॉन्स है वो खिंचाव जो है, वो कशिश जो है, वो है क्वीन ऑफ वॉन्स। लेकिन इस डेक में क्वीन ऑफ वॉन्स वो नहीं कर रही जो अमूमन वो करती है, वो जो कर रही है वो कैसे कर रही है उसका सीन है यहाँ पर। वो करती कैसे, उसमें करिश्मा क्यों है इतना पॉजिटिव, उसका ऑरा इतना क्यों पॉजिटिव है, लोग क्यों खिंचते हैं उसकी तरफ, क्यों उसकी बातों में इतनी रोशनी नजर आती है, क्योंकि वो ये करती है। ये क्वीन ऑफ वॉन्स एक्ट्रेस हो सकती है, ये क्वीन ऑफ वॉन्स परफॉर्मर हो सकती है, ये क्वीन ऑफ वॉन्स यू नो डॉक्टर हो सकती है, इंजीनियरिंग के फील्ड से हो सकती है, आर्किटेक्चर, जो भी कह लो, बहुत सारे फील्ड हैं, कुछ भी हो सकती है।
और वो अपने रोल को इतनी अदा के साथ क्यों कर पा रही है, क्यों वो कुछ भी करे उसका क्यों इतना इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बैकग्राउंड में वो ये करती है, वो ये कर रही है। वही चीज जो मैं आपको पहले कह चुकी हूं, कुछ कर लो, मैं कह रही हूँ कुछ कर लो लाइफ में, जो करना है कर लो, सारे कामों में सक्सेस है आपके लिए, लेकिन वो सारी सक्सेस चैनल कहाँ से होगी? अननोन से। तभी आपके पास यहाँ पर अपने आप से द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई थी। डू यू सी दिस? दिस इज क्रेजी पाइल नंबर 3। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कह रही हूं आपको, जहां पर आपने अपनी नॉलेज को, अपनी इस इंटेलिजेंट माइंड को अननोन से जोड़कर चैनलिंग करना शुरू कर दिया, किसी पर लगा लो, मैं कह रही हूं नृत्य हो सकता है, कितने क्रिएटिव फोर्सेस हैं आप मुझे बताओ, मैं तो गिनी चुनी बोल रही हूं। क्रिएटिविटी के बारे में सरस्वती माँ की ऊर्जा आती है, हमें म्यूजिक नजर आता है, नृत्य नजर आता है, हमको लिखना आता नजर आता है, कुकिंग हो सकती है ये, लेकिन ये तो गिनी चुनी है ना। क्रिएटिविटी तो बहुत सारी है, बहुत सारी चीजों में लगाई जा सकती है। करके तो देखो, करके तो देखो मेरी जान, आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए कितना है, कितना बड़ा बैग है आपके लिए। और मैं इसको ना बहुत सिंपल भाषा में कहना चाहती हूँ, क्योंकि आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का एक सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज हो सकता है वो है पैसा। हम ना बड़ा आंकने लगते हैं, अरे स्पिरिचुअल पाथ, पैसा, उसका क्या लिंक है? नहीं नहीं, आप स्पिरिचुअल बंदा कौन सा मार्स पे रह रहा है जाके, या फिर मून पे रह रहा है जाके, वो भी तो धरती पे रह रहा है, उसके भी तो उतने बिल हैं, तो पैसा तो उसको भी चाहिए भाई, साधु संतों को भी चाहिए पैसा। तो ना ये जो धारणा होती है हमारी कि स्पिरिचुअलिटी विच मीन्स कि स्पिरिचुअल हो तो आपको मोह माया, नहीं, मोह माया क्या है कि आप आइडेंटिफाई हो रखे हो, फंस गए उसमें, अब बाकी सब भूल गए। पैसे का ये नेचर है नहीं, हालांकि वो तो हमारे ऊपर है, पैसे को यूज कैसे कर रहे हैं, पैसे का नेचर थोड़ी है ये, पैसा तो हमारे आराम के लिए है, हमारे एक्सपीरियंसेस के लिए है। तो वही है आपके लिए, 9 of Pentacles आया, 10 of Pentacles आया, कर लो, पालो इसको, कौन रोक रहा है? इतना सारा पैसा हो, आप कहें कि नाज नहीं, इतने पैसे का क्या करना है, तो खुद के लिए कुछ मत करना, दूसरों के लिए कर लेना। बहुत सारे लोग हैं जो इस एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर सकते, इस एनर्जी में टैप इन नहीं कर सकते, उनके भी हाफ पर ही टैप इन कर लो और ये पैसा कमा लो, गरीबों में बांट देना भाई। मैं सारे ही सिनारियो दे रही हूँ ना आपको, क्योंकि अलग अलग लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों को पैसा चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, बस थोड़ा पैसा ही ठीक है। अब उन लोगों के साथ मैं ये बात कर रही हूँ कि ठीक है तुमको नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा इंटेलिजेंट माइंड यहाँ पर जो चैनलिंग करेगा उससे ये आएगा, ये मटीरियल है ना, ये आकाशा से आ रही है एनर्जी और ये मटीरियलाइज हो रही है, तो ये ऊर्जा तुमको नहीं चाहिए, ठीक है दे देना ना किसी को, किसी के बिहाफ पर काम कर लो। फिर से वही चीज, शब्द है यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन। आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? पाइल नंबर 3 आपके, आपको ये सवाल ना आपके कानों में गूंजेगा अभी, ट्रस्ट मी, मुझे अभी सुना आपके लिए कि आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये सवाल। अब आपको ये बात इतनी सुनने को मिलेगी अपनी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की रियलिटी में भी, कि बार बार घूम फिराकर यही शब्द आपके सामने आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूशन, ये चेज करने वाला है आपको। और जब तक आप नहीं करते हो तब तक ना गिल्ट चेज करेगा आपको, साथ में गिल्ट भी चेज करेगा, क्योंकि अब जिन्होंने ये रीडिंग सुन ली है और जिन लोगों ने, जिनको पता है कि हाँ भाई ये नाज ने जो बोला ये मेरे लिए ही है, ये मेरे लिए है ये रीडिंग, ये रेजोनेट भी हुई है और ये मेरे लिए है, इसके बावजूद आपने अगर नहीं किया, ट्रस्ट मी, गिल्ट चेज करने वाला है, आप इतने गिल्टी होने वाले हो चीजों को लेकर, और ये चीज ना आपकी ईगो को तोड़ने के लिए होगी। बिकॉज स्पिरिट इज सेइंग कि वही चीज, मैंने तुमको ऐसे थोड़ी तैयार किया है, कहते ना चीजों का रीजन होता है, तो तुमको ऐसे नहीं तैयार किया हमने, तुमको इंटेलिजेंट माइंड इसलिए नहीं दे दिया हमने,
अब तुमको यहां पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तभी यहां पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी भी थी। आई थिंक इन शब्दों को ना सुनते हैं जब ऐसे हम रीडिंग्स में, हमको लगता है ओ माई गॉश कुछ होने वाला है। इसकी ना इम्पोर्टेंस को समझो पहले तो। ये जिम्मेदारी के, जिम्मेदारी से जुड़े हुए शब्द हैं, ये ऐसे ही नहीं हम बोल देते। कंपैशन, फिर से वही चीज, नंबर 10 कंपैशन। आप कितने कंपैशनेट हैं, आप कितने कंपैशनेट, खुद से ये सवाल पूछिए ना अपने आप से। आप या, आपका ये कंपैशन लास्ट टाइम कभी यूज किया था? लास्ट टाइम ग्रजेस, जेलसी, गुस्सा ये कब किया था, और कंपैशन कभी यूज किया था? ये सवाल करो खुद से। ओ माय गुडनेस, ओ कम ऑन, यू हैव टू बी किडिंग मी। डू यू सी दिस, डू यू सी दिस? Mirrored soul number 21, जो कि number 3 बनता है। मैं यहां पर पहले ही बोल चुकी हूं आपको, आप दिखा क्या रहे हो? आपके पास ये जो आईना है जो आपको आपका सच तो बता रहा है, आपके पैटर्न्स तो बता रहा है, आप अपना सच तो जी रहे हो, ठीक है ना, आपको तो पता चल गया, लेकिन आप दूसरों का आप कैसे भला करोगे इस आईने के साथ? Mirrored souls, आप दूसरों के लिए अक्स का काम कर सकते हो, आईने का काम कर सकते हो। आप दूसरों को बता सकते हो कि अरे ये ऐसे होता है, इसको ना ऐसे ऐसे किया जाता है, तुम भी ऐसे कर लो, तुमको भी मुक्ति मिल जाएगी। आप वो हो, लेकिन कहने से थोड़ी चीजें होती है मेरी जान, आप बताओ ना मुझे, कहने से होती है क्या? मेरे कहने से मैंने रीडिंग कर दी, स्पिरिट ने आपको आंसर्स दे दिए, पुख्ता भी कर दिया मिरर सोल्स के साथ, कार्ड के साथ, कि जो जो अभी तक मैंने बोला वो एक्यूरेट है, सिंक है, यू नो, सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप कहें कि बस कह दिया और हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। 3D रियलिटी बड़ी चैलेंजिंग है मेरी जान, एक कर्म मांगती, एक कर्म भूमि है ना, इसको ऐसे थोड़ी कर्म भूमि कहा गया है, ये कर्म भूमि है, ये आपसे कर्म मांगते हैं। यू नीड टू बी वेरी बोल्ड। मैं यहां पर एक ऐसी सेंस पिक कर पा रही हूं जहां पर जब आप कम्युनिकेट करें आपको बहुत बोल्ड होने की जरूरत है। आपको वो नजाकत, वो इतराना, वो प्यारे प्यारे शब्द हम यूज करते हैं, वो नहीं करना। पाइल नंबर थ्री आपका वो बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। आप अपने आप को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो लिमिटेड वोकैबुलरी की वजह से। सो आपको यहाँ पर थोड़े से एग्रेसिव टोन या फिर एक बोल्ड अंदाज होता है जहां पर आप आई डोंट नो मैं इस मैसेज को कैसे कहूँ। इट्स मोर लाइक कि आप एफ वर्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न स्टेट की अगर बात करें, एफ वर्ड है, आप उसको कहने से कतराओ नहीं। अगर वो नेचुरली आना चाह रहा है तो आप उसे बोल रहे हो, आप उसे रोक नहीं रहे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये वो ऊर्जा है, अपने अपनी टोन को यहाँ पर थोड़ा सा बदलो। आप स्वीट वर्ड्स के चक्कर में ना अपनी ऑथेंटिसिटी गवा रहे हो। डू यू सी दिस? एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, मिररिंग एनर्जी अगेन। I don't know. मुझे नहीं पता क्या खनका अभी। कुछ तो खनका होगा ना दिमाग में, अभी तो कुछ तो खनका होगा ना इसे देखकर, इस कार्ड को देखकर। So embrace the flow of life. कुछ लोगों को फ्लो स्टेट में टैप इन करने की जरूरत है। Okay? आप अननोन को पुकार सकते हैं फ्लो स्टेट में टैप इन करने के लिए। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी काफी फ्लो में है। इस कार्ड को अगर ध्यान से देखें, बहुत उसका गाउन बहुत फ्लो में है, एयर एलिमेंट।
Alrighty, pile number 3, last messages kya hai bhai inke liye. Yeah, we have Knight of Wands, we have King of Cups, ooh, we have Nine of Swords. कर गुजरने की जिद हो अगर किसी में तो क्या नहीं किया जा सकता. बेसिकली ये कार्ड्स ये कह रहे हैं, अगर कर गुजरने की जिद हो आप में, किसी चीज को करने की शिद्दत हो आप में, तो आप क्या नहीं कर सकते. किंग क्वीन क्या है, क्यों नहीं पहुंच सकते हैं उस स्टेटस तक, इस मुकाम तक. वो तो आपके कर गुजरने की एबिलिटी पर निर्भर करता है, और वो एबिलिटी है, होती सभी के पास है मेरी जान, होती सभी के पास है. यूज कोई कोई करता है, इस्तेमाल कोई कोई करता है, वही चीज है. इंटेलिजेंट माइंड है आपके पास, वो आपके ऊपर आप यूज करते हो या नहीं करते हो. कर लोगे तो भला हो जाएगा कुछ लोगों का, गाया का, हम जैसे लोगों का. नहीं करते हो तो फिर नहीं करते हो, तब क्या चला जाएगा, तब भी कुछ नहीं जाएगा किसी का. एवोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहेगा. And that's life, right? So, pile number 3, this is your reading. I hope kuch khanka ho, kuch chhua ho aapko. Chhua hai to zarur batayega comment section mein. Aap hi ke liye hai wo comment section. Main kabhi kabhi sochti hu comment section band kar dun kya. कभी कभी ना लोग ऐसे लिख देते हैं कुछ भी. मैंने एक दिन ऐसे कमेंट पढ़ा, बड़ा बुरा लगा मुझे हालांकि उसे पढ़ के. उसमें ना किसी ने माँ सरस्वती को गाली लिखी हुई थी. बड़ा मन दुखा मेरा सच में. मेरी आंखों में आंसू थे उसे पढ़कर. मैं कहती हूँ कि भाई आप नाज को गाली निकाल लो. नाज और आप, हम तो ह्यूमन है ना. आप मुझे कह लो आपको रीडिंग अच्छी नहीं लगी, कास्ट अच्छे नहीं लगे, इट्स ओके. लेकिन माँ सरस्वती को गाली क्यों निकाल रहे हो, कितनी बुरी बात है ना. देखो कितने सारे लोग हैं माँ के भक्त हैं, माँ को एक कितनी हम ऊर्जा लेते हैं माँ से. मैं मतलब माँ से बहुत एनर्जी लेती हूँ. जब मैंने माँ के बारे में ऐसा पढ़ा ना, मैंने लिखा तो कुछ नहीं, लिखना भी क्या था. उस कॉमेंट को क्या कहूँ मैं, उस बंदे को क्या कहूँ. हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं कि जिसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है या क्या कर रहा है, उस पर गुस्सा नहीं करते, उस पर दया करनी चाहिए. तो मुझे दया आई उस पर्सन पे. मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे कमेंट्स बहुत सारे रिलीजियस वॉर को भी शुरू कर सकते हैं, राइट. और तो मैंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया और उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया. मंशा यही थी कि कहीं वो दोबारा से ऐसे कॉमेंट को ना लिखे. सो मैं कहती हूँ कि भाई मत करो ऐसा. कमेंट सेक्शन का पर्पस यहाँ पर गाली गलौज लिखना नहीं है, या क्रिएटर्स को गाली निकालना या बुली करना नहीं है. कमेंट सेक्शन का असली पर्पस है अपनी भावनाओं को आप शेयर करें कि जो आपने देखा है उसने आपके जीवन को कैसे बदला, वो आपके जीवन के साथ कैसे मैच किया, क्योंकि ये इसमें भी इंस्पिरेशनल एनर्जी है. आपके कॉमेंट्स जो हैं वो बाकियों को इंस्पायर कर सकते हैं. ओके, सो यस, बहुत सारा प्यार है आप सभी को. आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ आजकल पर्सनल रीडिंग्स को. काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस हैं उनके. तो यस, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ. अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मेरी वेबसाइट के थ्रू ही होती है बुकिंग, और कहीं से नहीं होती. स्कैमर से अलर्ट रहिए. और क्या है, अपना ध्यान रखिए मेरी जान. और तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे ठंड हो गई है बस बहुत. चलिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है. फिर मिलते हैं नई रीडिंग में, नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ. ध्यान रखिए अपना. लव यू गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय.